शाबाश। लास्ट क्लास में बेटा कहां तक किया था हमने, कौन सा टॉपिक फिनिश किया? नर्वस सिस्टम सर, एनिलिडा का नर्वस सिस्टम। ओके ओके, मतलब एनिलिडा शुरू किया है ना, ठीक है, गुड। चलिए तो लास्ट क्लास बेटा हमने एनिलिड्स को शुरू किया था, ठीक है। जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड किया होगा तो ऑलरेडी बेटा हमको पता है व्हाई वी कॉल्ड दीज एनिमल्स एज एनिलीड्स, इनको एनिलीड क्यों बोला जाता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था बॉडी डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, सेगमेंट्स को मेटामर्स बोलते हैं। दो मेटामर के बीच में बेटा एक डिप्रेशन पाया जाता है, एक रिंग लाइक ग्रुप पाया जाता है, उस रिंग लाइक ग्रुप को हम एन्यूलाई बोलते हैं बेटा। एन्यूलाई का मतलब लिटिल रिंग भी होता है। सो बिकॉज दीज एनिमल्स हैव एन्यूलाइज इन देयर बॉडी और लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स इन देयर बॉडी बेटा, इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एनिलिडा बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए प्लैट हेलमेंट को हम क्या बोलते थे बेटा, कॉमनली प्लैट हेलमेंट कॉमनली कॉल्ड एज प्लैट वर्म्स बेटा, है ना। एस्क हेलमेंट्स वर कॉमनली कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। वेरी गुड। एंड बताइए बेटा एनिलिडा को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? शाबाश, एनिलिडा को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? सेगमेंटेड वर्म्स। इनको हम सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं बिकॉज़ इनमें क्या पाया जाता है? ट्रू सेगमेंटेशन और मेटामेरिक्स। वेरी गुड बच्चा। फिर हमने देखा था फाइलम एनिलिडा को एस्टैब्लिश करने वाला साइंटिस्ट जो था उसका नाम था लमार्क वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है ना। और राउंड अबाउट इसके अंदर 16,500 डिफरेंट तरीके की स्पीशीज पाई जाती है। फिर हमने कुछ बेसिक करेक्टर की बात करी थी जहाँ पे आपने भी कुछ आंसर्स किए थे बेटा, आपने खुद बोला था कि एनिलिडा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एनिलिडा बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, एनिलिडा यूसिलोमेट्स होते हैं। तो फटाफट बताइए मेरे को कि अगर एनिलिडा यूसिलोमेट है तो यूसिलोमेट में बेटा कौन सा सिलोम इसमें पाया जाता है? एंटीरोसिलोम पाया जाता है। वेरी गुड। फिर हमने इसके अलावा देखा था इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल बेटा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखा था। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा था खाली एक ऑर्गन नहीं था, डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स थे, जैसे माउथ था, फेरिंग्स था, क्रॉप था, गिजर्ड था, इंटेस्टाइन था, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। सो बिकॉज दीज आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हियर बच्चा, तो आपको अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इसमें क्या पाया जाता है? ऑर्गन सिस्टम, जैसे यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिल रहा है बच्चा, यह भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था इससे पहले जितने भी फाइलम पढ़े, जैसे हमने पॉरिफेरा पढ़ा था, ए सिलोमेट था, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा पढ़ा, ए सिलोमेट था, प्लैट हेलमेंथ पढ़ा बेटा ए सिलोमेट था, नेमेट हेलमेंथ पढ़ा सूडो सिलोमेट था। तो मतलब इससे पहले जितने भी फाइलम आप पढ़ चुके हैं उनमें सीलोम या तो था ही नहीं, या तो रिड्यूस्ड सीलोम था बेटा, ठीक है ना, या तो नॉन एडवांस्ड सीलोम था। बट एवोल्यूशन के अंदर बेटा पहली बार वो फाइलम जिसके अंदर ट्रू सीलोम की शुरुआत हुई, और ट्रू सीलोम में से भी बेटा पहले कौन सा सीलोम बना? शाइजो सीलोम बना। वो कौन थे बेटा? वो एनिलिडा, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाइए। तो वो एनिलिड्स थे बेटा, ठीक है। फिर इसके अलावा आपने देखा था कि इनका जो सीलोम होता है, जैसे प्लैट हेलमेंथा के अंदर सीलोम में पैरेन्काइमल फ्लूइड था, निमेट हेलमेंट्स के अंदर सीलोम में सूडो सीलोमिक फ्लूइड था, तो सिमिलर तरीके से बेटा अगर आप किन को देखते हैं, अगर आप एनिलिड्स को देखते हैं, तो एनिलिड की बॉडी में भी कोई स्केलेटन नहीं पाया जाता, देयर इज नो मिनरलाइज्ड स्केलेटन प्रेजेंट इन द एनिलिड्स बेटा। तो फिर इनकी बॉडी का आकार कैसे मेंटेन किया जाता है, फिर इनकी बॉडी की शेप को कैसे मेंटेन किया जाता है? तो इनके अंदर भी हाइड्रोस्केलेटन होता है। वेरी गुड। और उस हाइड्रोस्केलेटन यहाँ पे कौन बनाता है? उसको सीलोमिक फ्लूइड बनाता है बेटा, है ना। और सीलोमिक फ्लूइड के अंदर कुछ सेल्स भी पाई जाती है। फिर हमने हैबिटेट की बात करी थी, तो हैबिटेट में आपने देखा था एनिलिड्स एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। एक्वाटिक में बेटा फ्रेश वाटर मैराइन भी होते हैं, ये फ्री लिविंग भी होते हैं एंड पैरासाइट्स भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ये फ्री लिविंग देखने को मिलेंगे एंड कुछ कुछ बेटा पैरासाइट्स होते हैं। अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे बेटा, जैसे हम एक क्लास पढ़ेंगे जिसको हम हिरुडिनेरिया बोलते हैं बेटा, तो हिरुडिनेरिया के अंदर आपको कॉमनली क्या देखने को मिलता है? पैरासाइट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो पॉलीकीटा है एंड ओलिगोकीटा है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? फ्री लिविंग फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। फिर हमने बॉडी की बात करी थी, तो बॉडी वर्मी फॉर्म थी, मेटामेरिक थी, सॉफ्ट थी,
elongated थी, cylindrical थी, flattened थी, और उसके अंदर बेटा जो segments है उनको metamers बोलते हैं. दो segments के बीच में जो interconnection है बेटा उसको हम annuli बोलते हैं. और हर segment के अंदर organs repeat होते हैं, externally भी as well as internally भी बेटा. External repetition भी होता है, internal repetition भी होता है. And इस property को हम क्या बोलते हैं? Serial homology. Very good बेटा. इसको हम क्या नाम देते? इसको हम serial homology नाम देते हैं. ये भी exam के लिए important है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना? फिर इसके अलावा आपने देखा था कि body में जब growth होता है तो ऑफ कोर्स बेटा ग्रोथ के टाइम पे क्या करना पड़ेगा, नए सेगमेंट को ऐड करना पड़ेगा या नए मेटामर को ऐड करना पड़ेगा. तो नए मेटामर का एडिशन पोस्टीरियर साइड से होता है, मतलब बैक साइड से होता है. और बैक साइड में कहां पे होता है बेटा? पाइजीडियम के पहले होता है. हमें पता है बेटा लास्ट सेगमेंट को हम पाइजीडियम बोलते हैं. तो नया सेगमेंट जो ऐड होता है बेटा वो सेकेंड लास्ट एंड लास्ट सेगमेंट के बीच में ऐड किया जाता है. बॉडी वॉल की बात करी थी तो आपने देखा था क्यूटिकल था, एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बना हुआ क्यूटिकल था, जो हार्ड था, जो फ्लेक्सिबल था, और उससे गैसेस एक्सचेंज किया जाता है. सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस था जिसमें म्यूकस सेल था एंड एल्ब्यूमिन सेल था. वेल डेवलप्ड मस्कुलर मस्कुलेचर पाया जाता था या वेल डेवलप्ड मसल्स पाई जाती थी, जिसमें आपने दो मसल रखी थी, सर्कुलर मसल एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल. तो बताइए बेटा एनेलिडस की मसल जो होती है वो स्मूथ होती है कि स्केलेटल होती है? स्मूथ सर. वॉलंटरी होती है कि इनवॉलंटरी होती है? इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं. वेरी गुड बच्चा. फिर इसके अलावा आपने देखा था बॉडी में चलने के लिए बेटा लोकोमोशन के लिए दो अपेंडेज पाए जाते हैं या दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. उसमें से एक स्ट्रक्चर सिंपल था एंड अनजॉइंटेड था और लेटरल अपेंडेज था, उसको हम पैरापोडिया बोलते हैं. एंड पैरापोडिया के ऊपर बेटा स्मॉल ब्रिसल लाइक ठीक है स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं बेटा, जिनको हम सीटें बोलते हैं. वेरी गुड बच्चा. ये भी याद रखना है एनेलिडा को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ सीटें, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. अब अगर एनेलिड पानी में रह रहा है बेटा ठीक है, जैसे नीरीज का हमने एग्जांपल लिया था आपको, तो वहां पे वो चलने में मदद नहीं करेगा. ऑफकोर्स दैट इज ऑल लोकोमोशन, बट उसको हम स्विमिंग बोलेंगे बेटा. तो वहां पे वो स्विमिंग में मदद करता है. डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी थी आपने, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट था, माउथ भी था और एनस भी था. माउथ के बाद फेरिंग्स था, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस था, फिर क्रॉप था, फिर गिजर्ड था और फिर इंटेस्टाइन था. क्रॉप के अंदर फूड को स्टोर किया जाता है, गिजर्ड के अंदर फूड को मैकेनिकली डाइजेस्ट किया जाता है एंड इंटेस्टाइन के अंदर फूड को केमिकली डाइजेस्ट किया जाता है बेटा. ये भी आपने याद रखा था. रेस्पिरेशन की हमने बात करी थी, तो रेस्पिरेशन अगर स्किन से हो जाए उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, गिल से हो जाए ब्रेंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, लंग से हो जाए पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं. और एनेलिडा के अंदर दो प्रकार का रेस्पिरेशन होता है बेटा, क्यूटेनियस भी होता है एंड ब्रेंकियल भी होता है. फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी थी, तो इम्पोर्टेंट फीचर था बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन था कि क्लोज था? क्लोज सर. क्लोज सर. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था बेटा. वेरी गुड ठीक है ना. और इसके अंदर बेटा हार्ट लाइक स्ट्रक्चर था, ऑल्दो दे आर नॉट हार्ट्स, वो हार्ट नहीं होते हैं, बट कुछ ब्लड वेसल्स बेटा मॉडिफाई हो जाती है, लार्जर ब्लड वेसल्स मॉडिफाई हो जाती है, तो वो कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स बनाती है जिनको हम हार्ट बोलते हैं. ब्लड रेड कलर का होता है, बट बताओ बेटा ब्लड के अंदर कौन सी ब्लड कॉर्पस्कल एब्सेंट है? सर आरबीसी. सर आरबीसी है ब्लड. तो अगर आरबीसी एब्सेंट है तो फिर ऑटोमेटिकली बेटा बताइए हीमोग्लोबिन कहाँ पे होगा? प्लाज्मा. प्लाज्मा में होगा ठीक है ना. इसके अलावा कुछ केसेस के अंदर ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस के अंदर हीमोग्लोबिन के अलावा बेटा क्लोरोक्रोनिन मिल सकता है या हीम एरिथ्रिन मिल सकता है, बट इसके अंदर डब्ल्यूबीसी पाई जाती है बेटा ठीक है ना. एमोबाइड कॉर्पस्कल का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी दे आर प्रेजेंट. एक्सक्रीटरी सिस्टम की आपने बात करी थी, तो जो हमने यहाँ पे देखा था बेटा इनको मेटानेफ्रीडिया या नेफ्रीडिया बोलते हैं. अगर किसी सेगमेंट का नेफ्रीडिया है बेटा तो नेफ्रीडिया अपने सेगमेंट का कलेक्शन नहीं करता है, नेफ्रीडिया अपने सेगमेंट के वेस्ट को कलेक्ट नहीं करता है, बट अपने आगे वाले सेगमेंट का वेस्ट कलेक्शन करता है. बट निकालेगा कहाँ से बेटा? अपने सेगमेंट से. नेफ्रीडिया के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, नेफ्रोस्टोम, कॉइल ट्यूब्यूल एंड नेफ्रीडियोपोर बेटा याद रखेंगे. तो एक नेफ्रीडिया के तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहां से कलेक्शन किया जाता है उसे हम नेफ्रोस्टोम बोलते हैं बेटा, जहां पे फिल्ट्रेशन किया जाता है उसको हम कॉइल ट्यूब्यूल बोलते हैं,
और जहां से फिर बेटा वेस्ट को बाहर निकाला जाएगा, जैसे यहाँ पे आप ओपनिंग देख सकते हैं, इसको हम नेफ्रिडियो पोर बोलते हैं, ये भी आपने याद रखा था। फिर एक्सक्रीशन की बात करें तो ये अमोनिया भी रिलीज कर सकते हैं, यूरिया भी रिलीज कर सकते हैं, मतलब कुछ अमोनिया रिलीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक एनालिड्स जो होते हैं बेटा वो अमोनिया रिलीज करते हैं, एंड टेरिस्ट्रियल एनालिड्स जो होते हैं बेटा वो यूरिया रिलीज करते हैं। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे बाद में याद रख लेना, एक्वेटिक यहाँ पर लिख देना, एक्वेटिक एनालिड्स बेटा अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, एंड टेरिस्ट्रियल एनालिड्स जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, मतलब ये अमोनोटेलिक भी होते हैं एंड यूरियोटेलिक भी होते हैं बेटा। नर्वस सिस्टम की हमने बात करी थी तो मैंने आपको बोला था नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड में नहीं होता है, सबसे पहले तो यही याद रखना है बेटा। नर्वस सिस्टम कहाँ पे होता है, वेंट्रल साइड में होता है, और वेंट्रल साइड में बेटा वो लैटरल पोजिशन, जैसे अगर मैं आपको लास्ट एग्जाम्पल याद हो, मान लीजिए हमने लीड बनाया था बेटा, तो ये इसके लैटरल साइड हो गए, ये इसका इंटीरियर साइड हो गया और ये इसका पोस्टीरियर साइड हो गया, ठीक है ना। ऊपर वाला साइड डॉर्सल कहलाता है, नीचे वाला साइड वेंट्रल कहलाता है। तो अगर आप इस पिक्चर को भी देखेंगे ना तो नर्वस सिस्टम इधर से नहीं है बेटा, नर्वस सिस्टम अपर साइड से नहीं है, नर्वस सिस्टम नीचे साइड से है बेटा, तो ये इसका वेंट्रल साइड हो गया। और नर्वस सिस्टम कैसे बनता है, दो नर्व कॉर्ड से बनता है, तो मतलब टू नर्व कॉर्ड पाई जाती है, और वो वेंट्रल साइड में लैटरल पोजीशन पे नहीं होती है, बट बॉडी के एकदम सेंटर में होती है बेटा, इसको हम मिड वेंट्रल पोजीशन बोलते हैं। तो दो नर्व कॉर्ड्स होते हैं जो मिड वेंट्रल पोजीशन पे पाए जाते हैं, और जब ये दो नर्व कॉर्ड्स हेड की तरफ आते हैं, ये इसका हेड वाला रीजन है बेटा, तो दोनों नर्व कॉर्ड्स आपस में जुड़ जाते हैं, ये वाला लेफ्ट वाला नर्व कॉर्ड हो गया, इधर से बेटा राइट वाला नर्व कॉर्ड हो गया, तो ये एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस लाइंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सरकम एंटीरिक नर्व रिंग बोलते हैं बेटा। और जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स होते हैं, हर नर्व कॉर्ड के अंदर बेटा आपको क्या मिलेंगे, ऐसे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स मिलेंगे, ये एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन मिलेगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ओवरऑल नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, एंड इसके अलावा क्या मिलते हैं, कुछ सेंस ऑर्गन्स भी मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं, पेल्स देखने को मिलते हैं, एंड आईज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा इधर, तो ये तो आईज हो गया, ऑल्दो ये डेवलप्ड आईज नहीं होती है, बट आई लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, आईज होती है जो एक सेंस ऑर्गन है बेटा, ठीक है ना। ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स आपको देख रहे हैं बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एंटीने बोलते हैं, और ये जो इधर से छोटे छोटे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पेल्प्स बोलते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं, किसके ऊपर, एनालिड्स की बॉडी के ऊपर बेटा, ठीक है ना। तो आई होप शायद यहाँ तक हमने लास्ट में पढ़ा था बेटा, आज हमें इससे आगे पढ़ना है, इतना तो ऑलरेडी हो गया था ना हमारी लास्ट क्लास में। Yes, sir. This much is already done, na? चले गुड, चले। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन एनालिडा। अच्छा, आज मैं आपको डीपीपी फॉरवर्ड कर रहा हूँ एनालिडा का, ठीक है ना। कल आपका एग्जाम है, एग्जाम में मैं एनालिडा से भी क्वेश्चंस दे दूंगा, तो क्या करेंगे आप बेटा, आफ्टर क्लास जो डीपीपी आपको मिल जाएगी, चाहे इवनिंग में मिल जाए या थोड़ा लेट मिल जाए, ठीक है ना, तो डीपीपी को सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एट द एंड ऑफ आई थिंक अराउंड 9 o'clock और 10 o'clock बेटा, 9 से लेकर 10 बजे तक मैं उस डीपीपी का की आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा बच्चा, ठीक है ना। तो फिर आप अपने आंसर खुद ही मैच कर लेना की के साथ कि आपके कौन कौन से आंसर उसमें से सही है और कौन से गलत है बेटा, ठीक है। तो ये डीपीपी बड़ा इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए, तो इसलिए इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना आज बच्चा। सारे डीपीपी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पेपर जो होगा बेटा वो मोस्ट ऑफन डीपीपी से होगा, ताकि आप डीपीपी को सीरियसली ले, बट पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे बेटा उनको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ, ताकि आप खाली रट के ना आ जाए बेटा, आप समझ के आ जाए डीपीपीज को। इसलिए डीपीपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और प्लीज सारी डीपीपीज कलेक्ट करके रख देना मेरी, जो मैं डीपीपीज फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और देख लेना बेटा जो इस साल का भी एग्जाम होगा ना, हमारी डीपीपीज में से एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको, तो इनशाला जब आप एग्जाम देंगे तब भी डीपीपी में क्वेश्चन आएगा बेटा, तो इसलिए डीपीपीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चले अभी हम करते हैं बात किसकी, रिप्रोडक्शन इन एनालिडा की बेटा। तो सबसे पहले याद रखेंगे रिप्रोडक्शन होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा मेरे को बताइए, पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ठीक है ना, प्लेटिहेलमिंथ्स, नेमेटिहेलमिंथ्स, ठीक है, इनमें से बेटा कौन सा वो फाइलम है जिसके अंदर ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। टीनोफोरा सर, टीनोफोरा। वेरी गुड बच्चा, टीनोफोरा। बाकी जितने भी फाइलम है उनमें सेक्सुअल भी है एंड एसेक्सुअल भी है बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पे याद रखिए रिप्रोडक्शन एनालिडा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एसेक्सुअल नहीं देखने को मिलेगा। मे बी डायोशियस और मोनोशियस। अब मेरे को ये समझाने की जरूरत नहीं है ना बच्चा, व्हाट डू वी मीन बाय दिस डायोशियस एंड मोनोशियस।
डायोशियस का मतलब, डायोशियस का मतलब सर सक्सेसर सेपरेट, सक्सेसर सेपरेट सर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल बेटा वेरी गुड। एंड मोनोशियस का मतलब बाइसेक्सुअल, नॉट सेपरेट बाइसेक्सुअल बेटा वेरी गुड बच्चा बाइसेक्सुअल, ठीक है ना। आपको याद है जब हमने शुरुआत में क्लासेस शुरू करी थी तो कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे सर हमको टर्मिनोलॉजी बता दो, हमें किसी डिक्शनरी का नाम बता दो, हम उसमें से वर्ड्स याद करेंगे। तो याद करने की जरूरत नहीं है बच्चा, जैसे वर्ड्स आते जाएंगे ना हम हर वर्ड का मानिए साथ साथ याद रखते जाएंगे और आपको अलग से डिक्शनरी बनाने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं, वर्ड्स ऑटोमेटिकली बट आप सीखते जाएंगे इन क्लास। बट क्लासेस रेगुलरली करनी है और बातों को अच्छे से सुनना है बच्चा। तो आगे बढ़ते हैं, तो एनेलिडा बेटा डायोशियस भी होते हैं एंड मोनोशियस भी होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल भी होते हैं एंड बाइसेक्सुअल भी होते हैं, मतलब हर्मोफ्रोडाइट भी होते हैं। मोनोशियस का मतलब होता है हर्मोफ्रोडाइट बेटा, एंड नॉन हर्मोफ्रोडाइट्स भी हो सकते हैं। अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है बेटा, ठीक है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा एनेलिड डायोशियस है एंड कौन सा एनेलिड मोनोशियस, बस ये तीन एग्जाम्पल्स आप याद रख लो, इसी में से इंशाल्लाह एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा आपको। तो डायोशियस एनेलिड जो होता है बेटा उसका एग्जाम्पल है नीरीज, तो नीरीज का मतलब हुआ फिर ये हर्मोफ्रोडाइट है बेटा, हर्मोफ्रोडाइट का मतलब हुआ फिर इसके, सॉरी नीरीज का मतलब हुआ बेटा इसका मेल अलग होगा और इसका फीमेल अलग, देयर विल बी अ मेल नीरीज एंड देयर विल बी अ फीमेल नीरीज बेटा। बट अगर आप अर्थवर्म की बात करेंगे या लीच, अर्थवर्म तो हम सब देखते हैं बेटा डे टू डे लाइफ में, या लीच की बात करेंगे आपको अर्थवर्म के अंदर मेल एंड फीमेल अलग अलग देखने को नहीं मिलेगा, आपको लीच के अंदर मेल एंड फीमेल अलग अलग देखने को नहीं मिलेगा, एक ही अर्थवर्म होगा बेटा जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा। जब हम इंशाल्लाह स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर शुरू करेंगे वहां पे हमको अर्थवर्म को डिटेल में पढ़ना है, एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म बेटा, और वहां पे हम देखेंगे कि एक ही अर्थवर्म की बॉडी के अंदर बेटा आपको टेस्टिस भी मिलती है एंड ओवरीज भी मिलते हैं, स्पर्म भी बनता है एंड एग भी बनता है बेटा। तो मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये हर्मोफ्रोडाइट्स हो गए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो प्लीज याद रख लेना डायोशियस कौन सा है एंड मोनोशियस कौन सा है। अब ये अगेन बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, इनके अंदर बेटा कहीं किसी किसी जगह पे, ठीक है ना, क्या मिलेगा, एक लार्वा मिलेगा जिसको हम ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं। तो बताओ बेटा अगर लार्वा देखने को मिल रहा है डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है ये याद रखना। ऑल्दो हर जगह पे ये मिलेगा बट कुछ कुछ केसेस में बेटा आपको ये लार्वा देखने को मिलेगा, और जहां पे ये लार्वा आपको देखने को मिलेगा बेटा ऑटोमेटिकली वहां पे डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। और लार्वा का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रोकोफोर लार्वा बेटा। अभी तक जो हम लार्वा पढ़ चुके हैं दैट इज एम्फीब्लास्टुला, पैरेन्काइमुला, सीलोब्लास्टुला, स्टीरोब्लास्टुला, साइडिपिड लार्वा, प्लेन्युला लार्वा, ठीक है, और आज आपने और याद रखा ट्रोकोफोर लार्वा बेटा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है। जब हम इंशाल्लाह मोलस्का पढ़ेंगे ना, मोलस्का के अंदर मैं आपको बोलूंगा बेटा मोलस्का के लार्वा को हम ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे भी हम बेटा लार्वा को क्या बोलते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं। सो दैट मीन्स एनेलिडा एंड मोलस्का बेटा आपस में रिलेटेड है, इनके बीच में बेटा आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई रिलेशन है बेटा, और उस रिलेशन को कौन दिखाता है, उसको ट्रोकोफोर लार्वा दिखाता है। तो सिमिलरिटी बिटवीन द मोलस्का एंड इकैनोडर्मेटा इज ऑन द बेस ऑफ लार्वल लेवल बेटा, और वो लार्वा का नाम क्या है, वो ट्रोकोफोर लार्वा होता है। क्लियर हो गया बच्चा, समझ आया ना? यस सर, यस सर। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट जब हमने क्लास शुरू किया था तो मैंने आपको बोला था प्लेट हेलमेंट्स के अंदर लोकोमोशन के लिए दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, एक होता है बेटा ऐसा स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्क्यूलर एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल जो चलने में मदद करती है। पैरापोडिया के ऊपर बेटा आपने एक एस लाइक स्ट्रक्चर देखा था जो काइटिन प्रोटीन का बना था बेटा, याद है ना, काइटिन मैंने बोला था, जो काइटिन प्रोटीन का बनता है जो अनजॉइंटेड होता है बेटा, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सीटे बेटा। और फिर मैंने आपको बोला था सीटे अर्थवर्म में भी होता है, ऑल्दो हमने सीटे नीरीज के अंदर बहुत अच्छे से देखा था बट अर्थवर्म में हमें सीटे नहीं दिखाई दे रहा,
ठीक है ना। फिर मैंने आपको बोला था मैं आपको इंशाल्लाह आगे अर्थवर्म के सीटेज भी दिखाऊंगा, वो कैसे दिखते हैं अर्थवर्म के अंदर बेटा। तो ये आपके पास दो पिक्चर्स है, तो पहले आप इस पिक्चर को देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये अर्थवर्म की बॉडी है, तो ध्यान से देख लो बेटा, आप मेरे को खुद बताएंगे। तो बताओ जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो क्या चीज है? मेटामर सर। मेटामर बेटा, ठीक है। बताइए अब जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो क्या चीज है? एनुलस है बेटा, ठीक है ना। अब ध्यान से नीचे की तरफ देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये वाले स्ट्रक्चर बेटा ये पैरापोडिया हो गए, और इसके ऊपर ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, सीटे। ये क्या बेटा? ये सीटे। ऑल्दो अर्थवर्म के अंदर हमको ये दिखते नहीं है, बट अगर आप बेटा जूम करेंगे या माइक्रोस्कोप के अंडर अर्थवर्म की बॉडी को देखेंगे, यू विल फाइंड वहां पे भी सीटेज होते हैं, बट सीटे बेटा नंबर में कम होते हैं। अगर आपको याद हो जो पुरानी पिक्चर हमने देखी थी वहां पे बहुत सारे सीटेज थे, यहाँ पे भी सीटेज है बट नंबर ऑफ सीटे स्लाइटली कम है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर बेटा और जूम करके देखेंगे तो ये देख लीजिए बच्चा, तो दिस इज द पैरापोडिया बेटा, तो ये नीचे पैरापोडिया हो गया है ना। और ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, जो काइटिन प्रोटीन से बना हुआ है जो ग्रिप बनाने में मदद करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ए सीटे बेटा। समझ आया ना बच्चा? क्लियर हो गया? क्या लिखा है यहाँ पे? सीटे क्या है बेटा? सीटे स्टिफ हेयर लाइक और ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द बॉडी। सीटे जो होते हैं बेटा ये हार्ड धागे के समान, ठीक है ना, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किस पे मिलते हैं? जो एनालिट्स की बॉडी के ऊपर मिलते हैं बेटा। ये काइटिन प्रोटीन के बने होते हैं, काइटिनस का मतलब हुआ बेटा काइटिन प्रोटीन के बने होते हैं, अनजॉइंटेड होते हैं बेटा, इनमें भी कोई जॉइंट देखने को नहीं मिलता है, और किसके ऊपर मिलते हैं? प्रेजेंट ऑन पैरापोडिया, या तो ये पैरापोडिया के ऊपर मिलेंगे या कुछ के अंदर बेटा डायरेक्टली बॉडी के ऊपर मिलते हैं। मतलब पैरापोडिया नीचे नहीं होगा, डायरेक्टली बॉडी के ऊपर क्या निकलेगा बेटा? सीटे निकलेगा बेटा। सो दे आर कॉल्ड एज सीटेज। अब याद है बेटा मैंने बोला था एनेलिडा के अंदर सीटे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज एनेलिडा को हम क्लासिफाई करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीटे बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा ऑन द बेस ऑफ पोजिशन एंड अरेंजमेंट ऑफ सीटा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेंस ऑर्गन, यानी एनेलिडा को हम क्लासिफाई करते हैं इंटू थ्री क्लासेस। पहले तो क्लास का नाम याद रखेंगे बेटा, पहले होता है पॉलीचीटा बेटा, ये पहला क्लास हो गया। दूसरा होता है ओलिगोचीटा बेटा, ठीक है ना, और तीसरा होता है बेटा हिरिडिनिया। कोई मेरे को बता सकता है टीनोफोरा के दो क्लास क्या थे? सर टेंटुलिकला एंड नोडा सर। वेरी गुड बेटा, टेंटिकुलेटा एंड न्यूडा बेटा, वेरी गुड। चले तो ये हो गया पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा एंड हिरिडिनी, ठीक है। पॉली का मतलब होता है बहुत, ओलिगो का मतलब होता है थोड़े बहुत, ठीक है, एंड हिरिडिनी हम अलग से देखेंगे। तो पॉलीचीटा बेटा वो एनेलिडा होता है जिसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे सीटेज पाए जाते हैं, तो दैट एनेलिडा हुज बॉडी इज कवर्ड विद मेनी सीटेज बेटा उसको हम पॉलीचीटा बोलते हैं। जिसमें थोड़े बहुत सीटेज होंगे बेटा उसको हम ओलिगोचीटा बोलते हैं, जिसमें कोई भी सीटे नहीं होगा मतलब सीटे इज एब्सेंट उसको हम क्या बोलते हैं? हिरिडिनिया बोलते हैं बच्चा। तो पहले तो याद रखेंगे किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, अरेंजमेंट ऑफ सीटे के बेसिस पे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स के बेसिस पे, ये भी याद रखेंगे बच्चा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। मैंने हर जगह पे बोला है, जब जब भी हमने बेटा कोई क्लासिफिकेशन पढ़ा मैंने हमेशा इस बात पे जोर दिया है बेटा, इस बात को हमेशा हाईलाइट किया है दैट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप बेटा जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सीरियसली फिर बाद में याद भी। अच्छा मेरे को ये बताइए, मैं देखना चाहता हूँ बेटा आपको याद है कि नहीं है, निमेट हेलमेंट्स के अंदर बेटा हम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करते हैं? जरा जल्दी जल्दी बता दो कोई। शाबाश, निमेट हेलमेंट हम किस बेसिस पे क्लास करते हैं? जल्दी जल्दी शाबाश, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, कल आपका एग्जाम है बेटा। यस फटाफट बताना बच्चा कितने क्लासेस होते हैं निमेट हेलमेंट्स के, कितने क्लासेस होते हैं बेटा? शाबाश सर, सर दो क्लासेस होते हैं। कौन कौन सा सर? फेज मीडिया एंड एफ एस मीडिया। वेरी गुड, फेज मीडिया एंड एफ एस मीडिया। फेज मीडिया वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज सेरेंटिया,
फैज मीडिया वाज आल्सो कॉल्ड एज एडिनोफोरिया बेटा. फैज मीडिया वाज आल्सो कॉल्ड एज रैबिडेटिया एंड ए फेज मीडिया वाज आल्सो कॉल्ड एज एनोपलिया बेटा. याद है ना, फिर मैंने बोला था फेज मीडिया में मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं, ए फेज मीडिया में फ्री लिविंग होते हैं. फेज मीडिया में फैजमिड भी होता था, एम्फिड भी होता था. ए फेज मीडिया में बेटा फैजमिड नहीं होता था बट एम्फिड होता था बेटा. कॉडल ग्लैंड एब्सेंट थे फेज मीडिया में, कॉडल ग्लैंड प्रेजेंट थे ए फेज मीडिया में बेटा. वेरी गुड बच्चा, ठीक है ना. ऐसे ही आपको याद करना है, ठीक है. मतलब जब भी मैं कुछ पूछू ना, मैं चाहता हूँ बेटा आप ऐसे बच्चे बनो कि जब भी मैं कुछ पूछना, आप इतने रिविजन करो घर पे जाके, आप इतनी मेहनत करो घर पे जाके कि जैसे मैं कुछ पूछू ना, पूछते ही बेटा आपका आंसर आना चाहिए. 4-5 मिनट नहीं लगने चाहिए आंसर करने में, तब मेरे को लगेगा कि नहीं सीरियसली मैं जो पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, वो आप सीरियसली फॉलो कर रहे हैं. अच्छा आप मेरे को ये बताइए, गुलजार अहमद है बेटा यहाँ पे, गुलजार अहमद से क्वेश्चन है. मेरे को बताइए प्लैट एलिमेंट्स को हम किस पे क्लास पे करते हैं. और जब मैं किसी से क्वेश्चन पूछता हूँ ना, जिस बच्चे को याद नहीं है बेटा इसका आंसर क्या है, तो वो ध्यान से सुना करो बेटा कि बच्चा आंसर क्या दे रहा है या सर बाद में क्या आंसर दे रहा है. एटलीस्ट आपको एक आइडिया लगेगा कि रियलिटी क्या है. शबाश किसके बेसिस पे? डाइजेस्टिव ट्रैक के बेसिस पे, सीलिया ऑन द बॉडी एंड मोड ऑफ लाइफ. वेरी गुड बच्चा, ठीक है, सीलिया एंड डाइजेस्टिव ट्रैक के बेसिस पे. और याद है आपको तीन क्लासेस थे बेटा, टर्बुलेरिया, ट्रमेटोडा एंड सिस्टोडा बेटा. टर्बुलेरिया फ्री लिविंग थे, ट्रमेटोडा बेटा एक्टो और एंडोपैरासाइट थे, लेकिन सिस्टोडा एक्सक्लूसिवली क्या थे? एंडोपैरासाइट थे बेटा, ठीक है ना. चलिए वेरी, तो मतलब पढ़ रहे हो बेटा, वेरी गुड, दिस इज गुड. ऑल्दो मैं सभी से क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ बट एक दो आंसर दे रहे, तो आई होप बेटा बाकी बच्चे भी उतना इफेक्टिव होंगे. और इंशाल्लाह जब फिजिकल क्लास के लिए मैं आऊंगा तो फिर तो इंटरेक्शन ऑफकोर्स हो गई क्लास में एवरीडे, बट अभी इससे काम चला लेते हैं. तो अभी मैं आगे बढ़ जाता हूँ, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं. तो अभी हम पढ़ रहे हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा. आपने याद रखा एनेलिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीटे, तो ये मेजरली आप याद रखेंगे. एंड सीटे के अलावा बेटा सेंस ऑर्गन्स को भी हम कंसिडर करते हैं. तीन क्लासेस है बेटा, पॉली, ओलिगो एंड हेरिडिनिया बेटा. तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा है. ऑन द बेस ऑफ पोजिशन एंड अरेंजमेंट ऑफ सीटे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, इनकी क्लासिफिकेशन होती है. तीन क्लासेस होते हैं, तो पहला है बेटा पॉलीचीटा. पॉलीचीटा का मतलब होता है जिसकी बॉडी पर बहुत सारे सीटे हो, मतलब मेनी सीटे हो. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर को बेटा, तो ये आपको दिखाई दे रहे बॉडी के ऊपर सीटेज बेटा. दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे? अच्छा दिखाई दे रहे ना सभी को? तो कितने सीटेज है? बहुत सारे सीटेज है बेटा, मेनी सीटेज है. तो इस वजह से बेटा इस क्लास को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसीटा बोलते हैं बेटा. तो एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स आर वेरी, ऑल्दो एनसीईआरटी में ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है, बट आपको इस फाइलम की हर एक एग्जांपल याद रखनी पड़ेगी. हर एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज इस फाइलम से एंड आर्थ्रोपोडा से बेटा एग्जाम्पल्स बाहर से भी आ सकती है, बिकॉज कॉमन फाइलम्स है, हमारे डे टू डे लाइफ के साथ रिलेटेड फाइलम्स है. तो इसलिए प्लीज इनको सबको याद कर लेना. मैं यहाँ पे किसी एक को स्पेसिफाई नहीं करूंगा, सबके सब याद रख लेना आप, ठीक है. लेकिन इम्पोर्टेंटली बेटा एक तो याद रहना ही चाहिए, उसको कोई भी नहीं बोलेगा, दैट इज नीरीज बेटा. तो नीरीज को प्रॉपरली याद रखेंगे, बट इसके अलावा अच्छा ये भी सबीला भी याद रखेंगे बेटा, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और बाकी भी इतनी इंपॉर्टेंट है, बाकी उनको भी अब याद रखेंगे. तो एग्जाम्पल्स है नीरीज बेटा, नीरीज को हम कॉमनली रैग वर्म बोलते हैं, काम वर्म बोलते हैं और सैंड वर्म बोलते हैं बेटा. एफ्रोडाइट को हम सी माउस बोलते हैं, ये जो पिक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इसको हम सी माउस बोलते हैं बेटा. आप देख सकते हैं शेप माउस के समान है, इसलिए सी माउस बोला जाता है इसको. पॉलिनिया को हम स्केल वर्म बोलते हैं. चीटो पेटेरस को हम पेडल वर्म बोलते हैं. अर्निकोला को हम लग और लोब वर्म बोलते हैं. ग्लाइसेरा को हम स्मूथ ब्लड वर्म बोलते हैं बेटा. एंड सबीला को हम क्या बोलते हैं? पीकॉक वर्म बोलते हैं. तो ये दो इंपॉर्टेंट ही आप याद रखेंगे, बट दीज आर ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट बेटा जो बाकी एग्जाम्पल्स. बट प्रॉपरली ये दो तो कोई भूलेगा नहीं बेटा, याद रखेंगे. नीरीज बिलोंग्स टू पॉलीकीटा, सबेला बिलोंग्स टू पॉलीकीटा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बच्चों. सेकेंड जो हमारा क्लास है दैट इज कॉल्ड एज ओलिगोचीटा बेटा, ठीक है. पहला था पॉलीचीटा, एग्जाम्पल्स आपने याद रखी, ठीक है ना. इसके ऊपर बेटा जितनी भी मैं आपको ये एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ ना, जितनी भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, एक बार इंशाल्लाह हम इनवर्टिब्रेट वाला पार्ट खत्म करेंगे ना, फिर मैं आपको बेटा दो डीपीपीस ऐसी प्रोवाइड करूंगा जिसपे क्वेश्चन ओनली नाम साइंटिफिक एंड उसका कॉमन नेम होगा बेटा. तो दो डीपीपीस ओनली इसी के ऊपर होगी, जिसमें आपको फाइलम का नाम दिया गया, मतलब ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया होगा,
और ऑर्गेनिज्म के नाम के साथ बेटा उसको कॉमन नाम आपको पहचानना है कि इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं। तो इसको प्लीज थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लेना, इसको स्किप मत करना कोई भी बच्चा। चले आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्लास हमारा है ओलिगो चीटा बेटा। तो ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, तो मतलब इसमें ज्यादा सीटेज नहीं होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो देख लीजिए इधर बेटा, ये ओलिगो चीटा का मेंबर है। इसमें आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी। ओलिगो चीटा में सबसे पहले आप देख सकते हैं एकदम बॉडी आपको क्लीन दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली बेटा आपको सीटें नहीं दिखाई दे रहा है, बट मैंने आपको अभी एक पिक्चर शो किया था, अगर आप उसको जूम करेंगे आपको सीटेज ऑफकोर्स मिलते हैं, बट उनका नंबर कॉमनली ज्यादा नहीं होता है बेटा, तो फ्यू सीटेज पाए जाते हैं। सीटेज के अलावा ओलिगो चीटा के अंदर बेटा आपको और एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो पॉलीकीटा में नहीं है, ठीक है ना, जो हेरिडिनिया में नहीं है बेटा, ठीक है, कॉमनली वहां पे भी एब्सेंट होता है। और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्लाइटेलम बेटा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर का नाम है क्लाइटेलम, स्ट्रक्चर को हम क्लाइटेलम बोलते हैं बेटा। और ये क्लाइटेलम इन ओलिगो चीटा के अंदर या इन मेंबर्स के अंदर बेटा ओनली डेवलप होता है जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है बेटा, जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, ठीक है ना। ब्रीडिंग सीजन का मतलब जब इनको रिप्रोडक्शन करने का टाइम आएगा, सो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन टाइम बेटा इनकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्लाइटेलम बोलते हैं। तो क्लाइटेलम क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए बेटा, ये बॉडी है ना, ये बॉडी का एक हिस्सा है, ये बॉडी का दूसरा हिस्सा है बेटा। दिस इज कॉल्ड एज प्री क्लाइटेलर पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट क्लाइटेलर पार्ट। और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है बैंड लाइक स्ट्रक्चर, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्लाइटेलम बोलते हैं, ये क्लाइटेलम होता है। समझ आया। तो ओलिगो चीटा के लिए बेटा आप क्या याद रखेंगे, पहला याद रखेंगे सीटेज ज्यादा नहीं होते, पहले तो याद रखिए। दूसरा, इन मेंबर्स के अंदर बॉडी में एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइटेलम। क्लाइटेलम से पहले जो बॉडी होती है बेटा दैट इज कॉल्ड एज प्री क्लाइटेलर पार्ट, क्लाइटेलम के बाद जो बॉडी होती है बेटा इसको हम बोलते हैं पोस्ट क्लाइटेलर पार्ट बेटा, याद रखेंगे। समझ आया बच्चा, क्लियर हुआ? यस सर। जी सर। और याद रखेंगे ओलिगो चीटा इज ऑफ ओलिगो चीटा बेटा इज कॉमनली कॉल्ड एज अर्थवर्म। इस क्लास को बेटा हम कॉमनली क्या बोलते हैं, क्लास ऑफ अर्थवर्म बोलते हैं बेटा। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे देख लेते हैं बच्चा। तो क्लास ओलिगो चीटा सीटेज थोड़े बहुत होते हैं, क्लाइटेलम प्रेजेंट, और कब बनता है बेटा, खाली ब्रीडिंग सीजन में बनता है, बाद में फिर गायब हो जाता है बेटा। कॉमनली कॉल्ड एज अर्थवर्म, दो एग्जाम्पल याद रखें, फेरिटीमा को हम कॉमन अर्थवर्म बोलते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा भी गया है। एंड सेकेंड बेटा ट्यूबिफेक्स, ट्यूबिफेक्स को हम ब्लड वर्म बोलते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स है किसकी, ओलिगो चीटा की बेटा। फाइनली हमारे पास आता है हेरिडिनिया बेटा, इसको तो आप जानते हैं बच्चा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज हेरिडिनिया। आप देख सकते हैं नीचे किसी इंसान का स्किन है और इसके ऊपर कौन चिपका हुआ बेटा, हेरिडिनिया चिपका हुआ। तो हेरिडिनिया जो, अच्छा मेरे को बताइए, ओलिगो चीटा में एंड पॉली चीटा में हमने क्या बोला बेटा, क्या इनमें से कोई पैरासिटिक फॉर्म था? शबाश, वाज देयर अ पैरासिटिक फॉर्म इन ओलिगो और पॉली चीटा? नो सर, नो सर। तो मतलब ये क्या बेटा, दे आर फ्री लिविंग बेटा। तो फिर एनालिडा के अंदर जो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि मोस्टली ये फ्री लिविंग होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं, तो वे पैरासाइट किस क्लास से बिलोंग करते हैं, वो हेरिडिनिया से बिलोंग करते हैं बेटा। तो ये पैरासिटिक वर्म्स होते हैं या पैरासिटिक सेगमेंटेड वर्म्स आप इनको बोल सकते हैं बेटा। इनमें कोई सीटे वीटे नहीं होता है, इनको हम कॉमनली लीच्स बोलते हैं बेटा। आपने ये वर्ड बहुत बार यूज किया होगा, अगर आप पढ़े लिखे बच्चे हैं तो आपने सुना होगा, पार्क में जाते समय किसी को सुना होगा बेटा कि वहां मत जाइए, वहां पे लीच है या आपके पैर में लीच चिपक सकती है। तो दे आर कॉमनली कॉल्ड एज लीच्स बेटा, इनको हम कॉमन लैंग्वेज में लीच बोलते हैं। और ये एक्टोपैरासाइट है कि एंडोपैरासाइट है, देख के बताइए बेटा, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट? बॉडी के बाहर पैरासाइट है तो ये एक्टोपैरासाइट होगा बेटा, ठीक है। जो पैरासाइट्स होते हैं ना बेटा, उनको खाना होस्ट से लेना पड़ता है। तो अगर खाना होस्ट से लेना है तो बता बेटा माउथ कैसा होगा? शबाश, माउथ कैसा होगा? सकिंग टाइप होगा या सक्टोरियल माउथ होता है। तो ये यहाँ पे इनका माउथ होगा बेटा, ये ब्लड को सक करते हैं, कहाँ से?
एक ह्यूमन बीइंग या एनिमल की बॉडी से बेटा. सो बिकॉज दीज लीड्स फीड ऑन ब्लड बेटा, तो वो एनिमल जो ब्लड पे फीड करते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम संगीवोरस बोलते हैं बेटा. तो संगीवोरस का मतलब होता है वो एनिमल जो ब्लड पीते हैं बेटा, जो ब्लड के ऊपर फीड करते हैं, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज संगीवोरस एनिमल्स बच्चा. ये क्लियर हो गया? जी सर. ये क्लियर हुआ ना? अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताइए. मैंने आपको बोला था बेटा जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है सर, जो एनालीड्स होते हैं बेटा, एनालीड्स में मान लीजिए अगर ये सीलो में, फॉर एग्जाम्पल ये गट है, ये बॉडी वॉल है, तो बीच में सीलो में, तो बता एनालीड्स के सीलोम के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? सीलोमिक फ्लूइड सर. सीलोमिक फ्लूइड. अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना बेटा. सीलोमिक फ्लूइड एक पानी के जैसा लिक्विड था बेटा, है ना, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर था. बट अगर हम हिरिडिनिया की बात करेंगे ना, हिरिडिनिया के अंदर जो सीलोम होता है बेटा उसमें सीलोमिक फ्लूइड कम होता है. देयर इज वेरी लेस सीलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट इन द हिरिडिनिया. तो फिर सीलोमिक फ्लूइड के बदले क्या पाया जाता है? यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है. मतलब सीलोम इज फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू बेटा. और इस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, दिस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज ब्लड. नो, दिस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज बोट्राइडल टिश्यू बेटा. तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोट्राइडल टिश्यू किस फाइलम में पाया जाता है? एनेलिडा में पाया जाता है. बोट्राइडल टिश्यू बेटा एनेलिडा के किस क्लास में पाया जाता है? वो हिरिडिनिया में पाया जाता है. बोट्राइडल टिश्यू क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू है बेटा जो फिल करता है किसको? सीलोम ऑफ हिरिडिनिया को बेटा. क्लियर हो गया ना? ये समझ आया? जी सर. जी सर. अच्छा आपको ये भी पता होगा बेटा कि लीच को, आपको पता है ना बेटा, अगर मान लो कोई क्रिकेटर है या कोई वॉलीबॉल प्लेयर या फुटबॉल प्लेयर है, वो अचानक से नॉर्मली बेटा अगर कोई गिर जाता है, कभी कभी बेटा गिरने की वजह से हमारा स्किन डैमेज हो जाता है, एक ब्लड क्लॉट होने लगता है बेटा स्किन के अंदर, और वो थोड़ा ब्लू कलर का वो स्किन हो जाता है, देखा है ना कभी कभी. और फिर उस ब्लड को से बाहर निकालने के लिए बेटा हम किन को यूज करते हैं? बस लीच को यूज करते हैं. इसको हम लीच थेरेपी भी बोलते हैं बेटा. दिस इज कॉल्ड एज लीच थेरेपी बेटा, ठीक है ना. तो वो लीच जो हम लीच थेरेपी के लिए यूज करते हैं ना, उस लीच को हम क्या बोलते हैं? इसको हम हेरुडो बोलते हैं बेटा. उसको हम हेरुडो बोलते हैं. समझ आ रहा है ना? तो हेरुडो जो होता है बेटा, हेरुडो नॉर्मल जो आपको पाक वाक में लीच मिलती है ना, वो हमारे लिए काम की नहीं है बेटा, ठीक है. वो तो खतरनाक लीच है, वो तो पैरासिटिक लीच है. बट हमारे पास और एक लीच है बेटा, विच लुक सिमिलर टू दैट ऑफ द गार्डन लीच, जो नॉर्मली हमको लीच देखने को मिलती है. बट उस लीच को हम बेटा मेडिसिन में यूज करते हैं, ठीक है ना. उसको हम बेटा मेडिसिन के अंदर ट्रीटमेंट या लीच थेरेपी में यूज करते हैं, और उस लीच को मेडिसिनल लीच बोलते हैं और हेरुडो बोलते हैं बेटा. ऊपर वाले ने तीन इंसेक्ट प्रॉपर्टीज दिए जो बहुत बेनिफिशियल है ह्यूमन बींग्स के लिए. और इसके पीछे बेटा आपको पता होगा दाऊद अलैहि सलाम की कहानी है, तो कभी मैं बताऊंगा क्लास में उसको. एक होता है बेटा हमारे पास लैक इंसेक्ट, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस बेटा. दूसरा होता है हमारे पास हनी भी बेटा, इसको भी ऊपर वाले ने प्रॉपर्टी दी है. और तीसरा होता है बेटा हेरुडो, ठीक है, हेरुडो जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, जिसको हम कॉमनली लीच बोलते हैं. तो दीज थ्री इंसेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस इन वेरियस एस्पेक्ट्स और इन वेरियस पर्पसेस बेटा, ठीक है ना. सॉरी इंसेक्ट, इनमें से दो इंसेक्ट है बेटा, मैं गलती कर रहा हूँ. इनमें से दो इंसेक्ट्स है और एक इनमें से क्या है बेटा, एक इनमें से एनलीड है, वो इंसेक्ट नहीं है बच्चा, ठीक है. तो कुछ लोग इसको भी इंसेक्ट समझ लेते हैं, बट रियलिटी में इंसेक्ट नहीं है, इट इज एनलीड. तो क्लास हिरिडिनिया को कोई सीटे नहीं होता, कॉमनली कॉल्ड एज लीच. ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, सक्टोरियल माउथ होता है, ब्लड के ऊपर फीड करते हैं, एंड सीलोम बेटा बहुत रिड्यूस्ड होता है. रिड्यूस्ड का मतलब सीलोम छोटा होता है, खाली जगह सीलोम में नहीं मिलती है बेटा, बिकॉज उस सीलोम के अंदर हमने क्या कर दिया, कनेक्टिव टिश्यू भर दिया, जिस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, बोट्राइडल टिश्यू बोलते हैं. और ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा. तो दिस इज कॉल्ड एज बोट्राइडल टिश्यू बेटा. इसको मैं हाईलाइट करके भूलना मत, दिस इज कॉल्ड एज बोट्राइडल टिश्यू बेटा, याद रखेंगे. तो एग्जाम्पल्स क्या है, हिरिडिनेरिया. हिरिडिनेरिया को हम ब्लड सकिंग लीच और कैटल लीच बोलते हैं. हिरुडो को हम बेटा मेडिसिनल लीच बोलते हैं, एंड पोंटोपडिला को हम स्केट सकर बोलते हैं. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ हिरिडिनिया. या ये सारी एग्जाम्पल्स इन जनरल किसकी है बेटा, फाइलम एनेलिडा की. कितना क्लियर हुआ सभी को बच्चा? यस सर. डन. तो यहाँ पे हमारा एनेलिडा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा खत्म हो जाता है. तो दिस इज एंड ऑफ एनेलिडा बेटा. थोड़ा बड़ा फाइलम था, आगे वाले फाइलम और थोड़े थोड़े बड़े होते जाएंगे, बट
आई होप बेटा आपको अच्छे से अंडरस्टैंड भी हुआ होगा। एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो वहां पे कोई भी पॉइंट पे कोई भी जगह पे आपको दिक्कत पड़ते समय नहीं आएगा बेटा। सो यहाँ पे हमने खत्म कर दिया एनालिडा। इसमें किसी को भी शुरुआत से लेकर अभी तक डाउट है, क्वेश्चन है या कुछ और प्रॉब्लम है बेटा वो बता दीजिए। इफ नॉट फिर हम इंशाल्लाह आर्थ्रोपोडा की तरफ चलते हैं। शाबाश सर। हेमी एरिथ्रिन वो पिगमेंट कैसा है? हीम एरिथ्रिन भी बेटा रेड कलर का ही होता है, क्लोरोक्रोनिन ग्रीन कलर का होता है। मैंने आपको अभी बोला था ना सबेला अभी बोला था सर। सबेला जो सबेला के अंदर ब्लड ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और क्यों होता है बेटा? बिकॉज उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंदर क्लोरोक्रोनिन पाया जाता है बेटा, क्लोरोक्रोनिन पाया जाता है। हीमेरिथ्रिन भी रेड कलर का ही होता है बेटा, ठीक है। और बताइए। शाबाश। शाबाश, जल्दी बोलिए बच्चा। सर आर्थ्रोपोडा स्टार्ट कर दीजिए सर। सीपीएसपी में मतलब ऊपर दीवार क्यों दिखा रहे हैं ये लोग, कैमरा बंद ही कर देते तो फिर। चलिए तो हम आर्थ्रोपोडा शुरू करते हैं बेटा। आई होप कि आपको एनालिडा पढ़ के मजा आया होगा, बोरिंग नहीं लगा होगा, टफ नहीं लगा होगा जो नॉर्मली लगता है जब हम बुक से पढ़ते हैं। तो बट अब इस चीज को वही बच्चा याद रखेगा। देखो मैं टीचर हूँ बेटा, ठीक है ना, मेरे को पढ़ाते हुए 8-9 साल हो गए। बट अगर मैं खुद इस चीज को रिवाइज नहीं करूंगा ना अगले दिन या अगले 1-2 महीने के बाद, ऑफकोर्स मैं भी बहुत सारी चीजें इसमें भूल जाऊंगा। ऑल दो मैं इसको इतने सालों से पढ़ रहा हूँ। कोई टीचर आपको बोले बेटा कि उसने 10 साल पहले कोई किताब पढ़ी है और अब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो तो एकदम झूठ होता है बेटा। बिकॉज किसी भी इंसान की मेमोरी इतनी खतरनाक नहीं है बेटा कि इट कैन रिटेन द थिंग्स थ्रू आउट द लाइफ बेटा, इम्पॉसिबल। आपको बेटा अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करना पड़ा, जैसे कंप्यूटर रिफ्रेश करते हो तो मेमोरी को भी रिपीटेडली रिफ्रेश करना पड़ता है बेटा। अगर मैं पढ़ना 1-2 साल के लिए छोड़ दूं ना तो तीसरे साल ऑफकोर्स बेटा मैं एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा या मैं बच्चों के सिंपल डाउट्स को भी आंसर नहीं कर पाऊंगा। तो बीइंग अ टीचर बेटा अगर मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, बट आपको पढ़ाने से पहले मेरे को भी बेटा खुद पढ़ना पड़ता है, यूट्यूब कंसल्ट करना पड़ता है या किसी टीचर को कंसल्ट, जो मेरे से बेटर टीचर है, मेरे से बड़ा टीचर है, उसको कंसल्ट करना पड़ता है बहुत चीजों के लिए। तो आप तो अभी स्टूडेंट है, तो अब आप सोचेंगे बेटा कि उमर सर से मैंने क्लास ली, साजिद सर से मैंने क्लास ली, उत्पल सर या नुमान सर से मैंने क्लास ली, क्लास लेने के बाद अब मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे को याद रह गया, तो वो तो एकदम बेवकूफी है और वो एकदम गलत तरीका है पढ़ने का। एक अच्छा स्टूडेंट बेटा वही होता है या एक टॉपर स्टूडेंट इंशाल्लाह फ्यूचर में आप में से वही बनेगा जो अपने आप को जीरो समझेगा। अगर आप अपने आप को अभी से समझने लगे ना, 2 फाइलम याद करके आपको समझने लगे बेटा कि मेरा तो नीट में 360 आगे 2 फाइलम पढ़ के, तो ये तो एकदम बेवकूफी है। ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी आपको। आप सारे फाइलम याद कर लो, बट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फाइलम बेटा आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, आपका नेचर ऐसा होना चाहिए कि आप खुद को बोलो कि मेरे को अभी कुछ नहीं आता है, मैं अभी भी जीरो हूँ, मैं अभी निल एट द बॉटम हूँ, मैं सारी क्लास में सबसे पीछे हूँ बेटा, सारे बच्चे मेरे से आगे। ये एटीट्यूड रहेगा ना आपको, तो आप ऑफकोर्स रिविजन्स करते रहेंगे और जैसे जैसे आपके रिविजन्स होते रहेंगे ना, चीजें आपके दिमाग में एकुमुलेट होती रहेंगी बेटा, एकुमुलेट होती रहेंगी, तो ऑफकोर्स बेटा फिर आने वाले समय में, आने वाले टाइम में आप चीजों का अच्छे से रीमेमोराइज करके एग्जाम के अंदर बेटा सही क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपने एटीट्यूड रख लिया, एक बार रिविजन आपने कर लिया, 5-6 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए और फिर आपने उसको बेटा अल्लाह के हवाले छोड़ दिया, 6 क्वेश्चन मेरे से हो गए, अब मैं टॉपर बन गया क्लास का या इस चैप्टर का, तो दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू स्टडी, ठीक है ना। अगर मैं बीइंग अ टीचर बेटा आपको पढ़ाने से पहले चीजों को रिवाइज करता हूँ, ऑफकोर्स बेटा आप एक स्टूडेंट है तो आपको अगर मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ ना, आपको 10 बार रिवाइज करना चाहिए, आप समझ रहे। बिकॉज कंपटीशन में मैं नहीं बैठूंगा, कंपटीशन में आप बैठेंगे। अगर मैं मान लीजिए आप में से किसी ने मेरे को क्वेश्चन किया, मैं आज उसको आंसर दूंगा, बट मेरे पास बेटा चांस है कल मैं उसको सही आंसर दे सकता हूँ, बट आपके पास वो चांस नहीं मिलता है। आपको बेटा पूरे साल 2 साल की मेहनत बस 1-3 घंटे में दिखानी पड़ती है, तो वो दिखा प्रॉपरली वही बच्चा सकता है जिसने बहुत सारे रिविजन्स किए होंगे। बहुत सारे बच्चे हमेशा बोलते हैं सर क्या ऐसा हम करें कि हम बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, क्या ऐसा हम करें कि हम एक अच्छे स्टूडेंट बने, क्या हम ऐसा करें कि हम नीट क्वालिफाई करें। तो मेरे पास बेटा एक ही चीज है आपको बोलने के लिए, अगर आप ये सब कुछ पाना चाहते हैं, ये सब कुछ करना चाहते हैं ना, देयर इज ओनली जस्ट वन की फॉर अ स्टूडेंट बेटा, दैट इज रिविजन।
ये याद रख लेना हमेशा के लिए, जो बच्चा आप में से रिविजन कर रहा है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ बेटा, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं वो क्वालिफाई करेगा ही एग्जाम को, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो बच्चा आप में से रिविजन नहीं कर रहा है, मैं गारंटी देता हूँ बेटा, अगर उसको अभी 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, अगर उसको अभी बेटा 100 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आफ्टर 1, 2 और 3 वीक और आफ्टर 1 मंथ बेटा वो आहिस्ता आहिस्ता 30 पे पहुंचेगा, 20 पे पहुंचेगा, 10 पे पहुंचेगा, और कुछ टाइम बाद बेटा उसको स्टडीज से बेटा होप ही उठेगा, वो इंटरेस्ट ही लूज करेगा, तो ऑटोमेटिकली बेटा वो डीरेल हो जाएगा और पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। तो बीइंग अ गुड स्टूडेंट हमेशा याद रख लें, जो भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना, पढ़ाना आप मेरे पे छोड़ो, मटेरियल कलेक्ट करना आप मेरे, मैं कहाँ कहाँ से मटेरियल कलेक्ट करता हूँ बेटा वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको लेक्चर लेने की, लेक्चर को समझने की, अपने डाउट क्लियर करने की जरूरत है। और जब ये 3 चीजें आप करोगे ना, फिर लास्ट चीज जो आपको करनी है दैट इज रिविजन, और रिविजन आपका रिपीटेडली होना चाहिए। जो ये इन चैप्टर बेटा हम इंशाल्लाह कुछ वीक में फिनिश करेंगे, अब ये फिनिश करने के बाद आपको छोड़ना नहीं है, आपको बेटा 2 वीक में एक बार एटलीस्ट इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करना चाहिए, इसके क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करना चाहिए। जब ऐसा करोगे ना, आपको पढ़ने में मजा आएगा, क्लास में मैं कभी क्वेश्चन पूछूंगा आप उसको आंसर भी करेंगे, और ऑफकोर्स बेटा जो बच्चा क्लास में आंसर करता है ना उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, टीचर की नजरों में बेटा उसकी इमेज भी अच्छी हो जाती है, और जब एक कनेक्शन बन जाता है तो ऑटोमेटिकली वो आगे भी बहुत अच्छा करेगा। तो चलिए अभी मैं आगे बढ़ जाता हूँ, तो एनालिडा हमारा खत्म हो गया, तो अगेन मैं बोल सकता हूँ बेटा आई होप कि आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। अब हम नया फाइलम शुरू करने वाले हैं आज, दैट इज फाइलम ऑर्थोपोडा बेटा। शुरुआत से बेटा हम यही करते आ रहे हैं, हमने जो भी फाइलम पढ़ा सबसे पहले उसका नाम समझने की कोशिश करी, वाई दैट फाइलम इज नेम्ड सो, उस फाइलम को वो नाम क्यों दिया गया, ठीक है ना। जैसे लास्ट क्लास में एनालिडा को समझा था, आज हम ऑर्थोपोडा को समझते हैं बेटा। तो समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस चींटी को थोड़ा जूम करता हूँ बेटा, ठीक है ना। आउट ऑफ मेनी इंसेक्ट्स बेटा याद रख लेना, आउट ऑफ मेनी इंसेक्ट्स कुरान के अंदर बेटा चींटी का भी जिक्र है, जैसे हनीबी का जिक्र है वैसे चींटी का भी जिक्र है। तो मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, ऑल्दो हम उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, बिकॉज हमारी रिलीज बुक के अंदर बेटा इसका भी नाम लिया गया है, इसका भी जिक्र लिया गया है। तो बीइंग अ रिलीजियस पर्सन ऑल्सो बेटा, ठीक है ना, आप याद रख लेना कि जिस इंसेक्ट का नाम कुरान में लिया गया है अगर बायोलॉजी में देखा जाए सो दैट इंसेक्ट बिलोंग्स टू द फाइलम ऑर्थोपोडा बेटा। तो ये याद रखें, चींटी किससे बिलोंग करती है, ऑर्थोपोडा से बिलोंग करती है। अब इस चींटी को आप ध्यान से देख लेना बेटा, और मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये नजर आ जाए अच्छे से। इसकी टांगों की तरफ नजर डाली, ठीक है ना, अगर आपको टांगे नजर आ रही है क्लियरली, इसकी टांगों की तरफ नजर डालिए बेटा। तो ये इसकी टांग है, ये इसकी टांग का पहला हिस्सा है, फिर ये दूसरा हिस्सा है, फिर यहां से बेटा ये तीसरा हिस्सा है, फिर एक हिस्सा यहाँ पे है, फिर यहाँ पे छोटे छोटे हिस्से हैं बेटा। अगर इधर क्लियर नहीं आ रहा है नजर आपको तो हम इधर भी देखने की कोशिश कर सकते हैं। ये टांग का पहला हिस्सा हो गया, सॉरी ये पहला हिस्सा इधर से हो गया, ये दूसरा हिस्सा है, फिर ये एक बड़ा सा थाई लाइक हिस्सा दिखाई दे रहा है, फिर ये और एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, और सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, और फिर ये छोटे छोटे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं इधर। सबको दिखाई दे रहा है कि बस मुझे दिखाई दे रहा है बेटा, ये सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है ना। जी सर, ठीक है। अब अगर आपको टांग बेटा अच्छे से दिखाई दे रहे, लेग ऑफ चींटी, लेग ऑफ एंट बेटा आपको अच्छे से प्रॉपरली दिखाई दे रही है बच्चा, सो सबसे पहले मेरे को बताइए ये लेग जो है इस एंट की, ये इसका अपेंडेज है कि नहीं है, पहले तो ये बताइए, इज द लेग ऑफ एंट इट्स अपेंडेज और नॉट। ऑफ कोर्स अपेंडेज है बेटा, बिकॉज बॉडी तो ये हो गया ना, सेंट्रल बॉडी तो ये होगी बेटा, ये इसकी सेंट्रल बॉडी है। अब इसके बाहर जो भी है बेटा वो अपेंडेज कहलाएगा, तो आप देख सकते हैं लेग इससे बाहर है बेटा, तो ये अपेंडेज है इसका, क्लियर है ना। अब ये अपेंडेज किस में मदद कर रहा है, ये चलने में मदद कर रहा है बेटा, लोकोमोशन में मदद कर रहा है। अब मेरे को इस पिक्चर को ध्यान से देख के बताए बच्चा, ये जो अपेंडेज है, ये जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है, या जो ये लेग है, ये जॉइंटेड है कि अनजॉइंटेड है? जॉइंटेड सर, क्लियर है ना सभी को बच्चा, ये जॉइंटेड है बेटा, ये जॉइंटेड स्ट्रक्चर है। अब इधर अगर आपको समझ नहीं आ रहा, इधर और एक चीज देख लीजिए, ये एंट का हेड हो गया बेटा, ध्यान से देख लेना, ये एंट का थोरेसिक, थोरेसिक के भी 3 हिस्से होते हैं, 1, 2 और 3 बेटा, ये थोरेसिक के 3 हिस्से, आप शॉर्ट में थोरेसिक याद रख लीजिए, बाद में बताऊंगा बेटा ये 3 हिस्से के, ये थोरेसिक हो गया और ये एब्डोमिन हो गया बेटा।
ध्यान से देख लो तीनों चीजों को, बताओ बेटा ओवरऑल बॉडी में तीन सेगमेंट्स के बीच में जॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं बेटा। हेड जुड़ा है थोरेसिक के साथ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बेटा। थोरेसिक जुड़ा हुआ है एब्डोमिन के साथ इस पॉइंट पे बेटा, तो अगेन यहाँ पे जॉइंट दिखाई दे रहे हैं। एंड को अगर मैं हटा दूं, अगर आप बेटा स्पाइडर को देखेंगे तो ये स्पाइडर देख लीजिए जिसे हम सब डरते हैं बेटा, स्पाइडर मैन इसी ने बना लिया, ठीक है ना। तो यहां से देख लीजिए, ये अगेन है बेटा जॉइंट 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 एंड जॉइंट बेटा। इधर देख लीजिए जॉइंट 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 एंड जॉइंट बेटा। आप समझ रहे ना बच्चा क्या बता रहा हूँ मैं। अब ये तो हमारी सबसे प्रिय इंसेक्ट है बेटा, हमको बहुत तंग करती है, ठीक है, हमको बहुत सताती है। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट। तो मतलब ये पिक्चर में आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बच्चा कि जो भी इंसेक्ट या जो भी एनिमल, इंसेक्ट छोड़ दीजिए अभी, जो भी एनिमल आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, हर एनिमल के अंदर बेटा आपको देखने को मिल रहा है कि इसकी बॉडी के अंदर जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं बेटा, ठीक है ना। एंड ग्रीक लेटर्स के अंदर जॉइंटेड वर्ड को हम ऑर्थोस बोलते हैं, ऑर्थोस का मतलब होता है जॉइंटेड बेटा, ठीक है ना। पोड़ा जो होता है बेटा, पोड़ा निकला है पोडोस से, पोडोस का मतलब होता है लेग्स। तो मतलब ये ऐसे एनिमल्स है बेटा जिनके अंदर क्या है, जॉइंटेड लेग्स है, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, या अगर मैं इसको इस हिसाब से बोल दूं बेटा ग्रीक टर्मिनोलॉजी में बोल दूं, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑर्थोपोडोस बोलूंगा, या शॉर्ट में मैं ऑर्थोपोडा बोलूंगा बेटा। तो मतलब ऑर्थोपोडा ऐसा फाइलम है, या इस फाइलम का नाम ऑर्थोपोडा इसलिए पड़ा है बिकॉज इसके अंदर बेटा जितने भी ऑर्गेनिजम्स को हम पढ़ेंगे, जितने भी एनिमल्स को हम पढ़ेंगे बेटा, उनका एक कॉमन फीचर होगा और वो ये होगा दैट दे विल हैव जॉइंटेड अपेंडिज और जॉइंटेड लेग्स इन शॉर्ट बेटा। सो बिकॉज ऑफ दिस जॉइंटेड नेचर ऑफ देयर अपेंडिज बेटा, बिकॉज उनकी अपेंडिज जॉइंटेड है, इस वजह से इस फाइलम को क्या बोलते हैं, ऑर्थोस्पोडोस, या शॉर्ट में ऑर्थोपोडा बोलते हैं बेटा। बात समझ आया कि नहीं समझ आया, ये क्लियर हुआ? जी सर। चलो चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये फाइल जैसे हमने देखा था लमार्क ने एस्टेब्लिश किया था किस फाइलम को, फटाफट बताइए, एनेलिडा को। वेरी गुड। अब याद रखना है एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जो जो मैं नाम यहाँ पे बोलूंगा ना, वो नाम प्लीज याद रख लेना, बिकॉज हमको एग्जामिनर पे कोई भरोसा नहीं है। आप 2 साल बाद नीट में बैठेंगे और 2 साल में बेटा आपका पेपर कितना बदलेगा, कौन सी चीज बदलेगी, किस लेवल का पेपर बदलेगा, हम वो नहीं जानते। तो आपको बेटा फिर 11th पढ़ने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये समझ लेना आप ध्यान से। इसलिए आप अभी से मेहनत करो, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ इनको अभी ऑनेस्टली याद रखो, ताकि पेपर किसी भी लेवल का आ जाए कल 2 साल बाद, आपसे वो पेपर होना चाहिए। बिकॉज हमारा एट द एंड ऑफ द डे हम सबका मोटिव है डॉक्टर बनना, ठीक है, हम सबका मोटिव है अच्छी रैंक पाना। तो वो 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, 1 साल बाद हो, हम मेहनत तो अभी से कर रहे हैं बेटा। हम 11th पास करने के लिए 11th नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम नीट को पास करने के लिए अभी 11th पढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से बेटा अपना क्या बोलते हैं इसको, माइंड सेट भी बना लो, अपना ब्रेन बेटा उस तरीके से वायर कर लो कि आपको हर टाइम पे जब भी 11th की किताब सामने दिखे ना, आपको बेटा 11th का एग्जाम याद नहीं रहना चाहिए, आपको नीट का एग्जाम याद रहना चाहिए। और ये याद रहना चाहिए कि 2 साल बाद एग्जाम में बैठ रहा हूँ और 2 साल में कितना कुछ बदल सकता है, कितना कुछ हो सकता है, वो आप खुद ही जानते हैं बेटा। 1 साल में पेपर बदल गया, 1 साल में पेपर का पैटर्न बदल गया, 1 साल में एम्स खत्म हो गया, आप समझ रहे ना, 1 साल में बेटा जो लोकल एग्जाम्स थे वो खत्म हो गए, एक कॉमन बॉडी बन गया। अब 2 साल में तो कुछ भी हो सकता है बच्चा, इसलिए तैयारी अभी से करनी है बच्चा। तो चलिए आगे बढ़ते, तो हमको 2 साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। एक का नाम है बेटा वॉन सीबोल्ड, ठीक है ना, और दूसरे का नाम है स्टैनिस, ठीक है ना। तो वॉन सीबोल्ड और स्टैनिस जो है बेटा, दे आर 2 साइंटिस्ट जिन्होंने किस फाइलम को बेटा शुरू किया, आर्थ्रोपोडा को शुरू किया बेटा। जैसे लमार्क ने एस्टेब्लिश किया था एनेलिडा को, सीबोल्ड एंड स्टैनिस ने बेटा किसको एस्टेब्लिश किया, आर्थ्रोपोडा को एस्टेब्लिश किया। अगर आपको याद हो बेटा, मैंने बोला था एनेलिडा के अंदर 16,500 स्पीशीज थी, किसी के अंदर 11,000 स्पीशीज थी, किसी के अंदर 20,000 या 25,000 स्पीशीज थी। लेकिन जब हम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं ना, यहाँ पे हमको बेटा मोर देन, ठीक है ना, 11 लाख स्पीशीज मिलती है बेटा, 11 लाख से ज्यादा स्पीशीज मिलती है। बिकॉज इस फाइलम के अंदर एनिमल किंगडम में बेटा अगर हम इनवर्टेब्रेट्स को देखेंगे, सबसे ज्यादा स्पीशीज इसी फाइलम के अंदर मिलती है,
इसीलिए बेटा इसको लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है, यानी एनिमिलिया किंगडम के अंदर वो फाइलम जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स रहते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है बेटा, कौन सा होता है? वो फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है। जब मैंने नीट का, जब मैंने मेडिकल का एग्जाम दिया था बेटा बहुत सालों पहले, तो तब हमारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, विच आर द फॉलोइंग फाइलम्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिविंग स्पीशीज बेटा, तो याद रख लेना कौन सा है वो, दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। और कितनी होती है? 11 लाख स्पीशीज होती है, 11 लाख स्पीशीज होती है बेटा, तो ये भी याद रखेंगे। समझ आया ना? ये क्लियर हो गया बेटा? अब मेरे को एक बात बताइए, अगर इसमें इतनी ज्यादा स्पीशीज है तो बताओ बेटा इस नंबर के बेसिस पे क्या ये फाइलम सक्सेसफुल फाइलम है या अनसक्सेसफुल फाइलम है बेटा? सक्सेसफुल, ऑफ कोर्स बेटा सक्सेसफुल है। अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो इनका नंबर इतना ज्यादा बढ़ता नहीं बेटा, ठीक है ना। और ये इतने सक्सेसफुल है बेटा, इसके मेंबर हमारे पास बेटा अभी वो भी पाए जाते हैं जो दुनिया में डायनासोर से पहले बने थे बेटा। मतलब कुछ इंसेक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ आर्थ्रोपोड आपको ऐसे मिलेंगे बेटा जो दुनिया में पाए जाते थे जब डायनासोर थे या डायनासोर से पहले वो बने थे, और तब से लेकर अभी तक वो जिंदा है बेटा, वो अभी भी नहीं मरे हैं, ठीक है ना। बता सकता है बेटा उसका नाम कोई आप में से, कौन है वो जो डायनासोर के टाइम पे भी था, उनसे पहले भी था और अभी भी पाया जाता धरती के ऊपर बेटा, वो कौन सा इंसेक्ट है? हम सब उससे डरते हैं, लड़कियां ज्यादा डरती है उससे बेटा, गर्ल्स बहुत ज्यादा डरती है उससे। शाबाश। कॉकरोच। कॉकरोच बेटा, ठीक है ना। तो कॉकरोच बेटा ऐसा इंसेक्ट है विच वॉज प्रेजेंट बिफोर द डायनासोर्स, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डायनासोर्स, एंड अभी भी पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं हाउ मच सक्सेसफुल, हाउ मच बेटर एडेप्टेड दीज एनिमल्स आर बेटा, कि ये तब भी थे, अभी भी है बेटा, और आगे भी शायद रहेंगे बेटा। ये एनिमल्स इतने रेजिस्टेंट है, ये स्पेस में भी जिंदा रहते हैं बेटा। कॉकरोच को हम स्पेस पे ले जाते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, और स्पेस के अंदर हमने देखा बेटा कॉकरोच वहां पे भी सर्वाइव कर सकता है। तो आप देख सकते हैं हाउ मच सक्सेसफुल एंड हाउ मच बेटर एडेप्टेड दीज एनिमल्स आर। सो बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन बेटा, इनका एडेप्टेशन पावर बहुत खतरनाक है, इनका एडेप्टेशन लेवल बेटा बहुत हाई है, ये अभी भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेंगे। बिकॉज ये जिंदा रहते हैं, इनको एनवायरमेंटल चेंज से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बेटा, इस वजह से इनका नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा है बच्चा। तो ये माना जाता है, ये एनसीईआरटी के अंदर भी आपकी लिखा हुआ है बेटा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो वहां पे लिखा हुआ है अगर दुनिया में बेटा सारे एनिमल्स को आप इकट्ठा करोगे, सारे एनिमल्स को बेटा एक जगह खड़ा करोगे, सारे एनिमल्स को बेटा इकट्ठा खड़ा रखोगे, आपको देखने को मिलेगा 2/3 जो एनिमल्स होते हैं, आप समझ सकते हैं बेटा कितना बड़ा नंबर है इनका। 2/3 जो एनिमल्स है बेटा वो ओनली आर्थ्रोपोडा होते हैं, वो ओनली आर्थ्रोपोडा होते हैं। तो कंप्लीट एनिमल्स के अंदर जो 2/3 एनिमल्स होते हैं बेटा, दैट ओनली बिलोंग टू द आर्थ्रोपोडा। अब आप इमेजिन करो कितना बड़ा ग्रुप है बेटा। और यही रीजन है दुनिया के अंदर कहीं पे भी जाओ आप, पानी में, जमीन में, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, बांग्लादेश, पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाए, इंक्लूडिंग बेटा जो नॉर्वे, मतलब नॉर्वे मतलब जो एंड ऑफ वर्ल्ड पे है बेटा, जिसके आगे फिर आईसी आइस है, इंक्लूडिंग साइबेरिया के अंदर बेटा, ठीक है, इंक्लूडिंग आर्कटिक पोल्स के अंदर, आपको हर 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 जगह पे क्या देखने को मिलेंगे, आर्थ्रोपोडा देखने को मिलेंगे बच्चा। सो बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स बेटा, आप समझ रहे ना, इंसेक्ट आपको हर जगह देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? जी सर, मिलता है कि नहीं मिलता बच्चा? सारे इंसेक्ट्स को भूल जाओ बेटा, कॉकरोच दुनिया में हर जगह है, समंदर के ऊपर बेटा जहाज पे चढ़ो वहां पे भी कॉकरोच, जंगल में जाओ वहां पे भी कॉकरोच, बड़े से रेस्टोरेंट के किचन में जाओ बेटा जो 5-स्टार रेस्टोरेंट होता है, एकदम जबरदस्त खाना होता है, वहां पे भी कॉकरोच, वॉशरूम में जाओ वहां पे भी कॉकरोच, बेडरूम में जाओ वहां पे भी कॉकरोच बेटा। तो मतलब हर, ये तो एक ही इंसेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इंसेक्ट्स भी बेटा आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। बिकॉज 2/3 जो टोटल एनिमल्स है बेटा वो ओनली कौन से होते हैं, वो आर्थ्रोपोड्स होते हैं। ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, इसलिए एग्जाम्पल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, तो याद रख लेना बेटा 2/3 नंबर जो होता है एनिमल्स का वो ओनली किन का होता है, वो आर्थ्रोपोड्स का होता है, ठीक है ना। अब आर्थ्रोपोड्स की मैं कुछ सिंपल करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करूंगा, बट आंसर आप खुद करेंगे उसको बेटा, मैं बस बोलूंगा आप आंसर करेंगे जैसे आपने पहले भी किया हो। बताइए फटाफट बेटा, आर्थ्रोपोड्स बायलैटरली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल? बायलैटरली। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक? डिप्लोब्लास्टिक। सेगमेंट,
सेगमेंटेड अनसेगमेंटेड? सेगमेंटेड। अब मेरे को बता बेटा, जिसने सेगमेंटेड बोला ना आप में से, वही मेरे को बताएगा कौन सा सेगमेंटेशन, बिकॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन सा सेगमेंटेशन में पाया जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन? नो। सेगमेंटाइज्ड? नो। वेरी गुड बच्चा, उनमें बेटा टैगमेटाइजेशन पाया जाता है बेटा। और मैंने बोला था टैगमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बॉडी बाहर से सेगमेंट, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए बेटा, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, अभी मैंने बोला था हेड है, फिर मैंने बोला था थोरेसिक है, और फिर मैंने बोला था एब्डोमेन है, और ध्यान से देख लो यहाँ पे सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है, इधर भी सेगमेंटेशन है, इधर भी सेगमेंटेशन है, और इधर भी सेगमेंटेशन है, एंड फिर एब्डोमेन के ऊपर भी बेटा आपको सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, अगर आप इसको काटेंगे ना अंदर से, या इसकी मुंह के मान लीजिए एंट एंट के अंदर बेटा मुंह से अंदर चले गए, जब आप मुंह से अंदर जाओगे ना तो यहाँ पे बेटा आपको कोई दीवार बीच में नहीं दिखाई देगी, यहाँ पे कोई सेप्टम बीच में नहीं दिखाई देगा, अंदर से कंटिन्यूअस पोर्शन है बेटा, अंदर से कंटिन्यूअस वॉल मतलब कैनल है, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस, थ्रू आउट कंटिन्यूअस, बट बाहर से बॉडी सेगमेंटेड दिखाई दे रही है, तो मतलब एक्सटर्नल सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है बेटा। तो इस एक्सटर्नल सेगमेंटेशन को हम टैगमेटाइजेशन बोले, क्यों? बिकॉज यहाँ पे हर एक सेगमेंट अपना काम अलग अलग करता है, यहाँ पे ऑर्गेनिज रिपीट नहीं होते हैं बेटा, काम इंडिपेंडेंटली होता है एंड कोई रेपिटेशन नहीं होता है बेटा, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज टैगमेटाइजेशन। एंड हर एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? टैगमेटा। वेरी गुड बच्चा, हर एक सेगमेंट को हम टैगमेटा बोलते हैं, ठीक है? तो याद रखेंगे ऑर्थोपोड सेगमेंटेड होते हैं, ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, दैट एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज टैगमेटाइजेशन, बिकॉज बॉडी बाहर से सेगमेंटेड है, अंदर से सेगमेंटेड नहीं है, और हर एक सेगमेंट के अंदर बेटा अलग अलग ऑर्गन्स है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, और अलग अलग काम है बेटा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, याद रखेंगे बच्चा। तो ओवरऑल आर्थ्रोपोड्स के अंदर आपको तीन टैगमेटा देखने को मिलते हैं, मेजरली तीन टैगमेटा होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है थोरेसिक, एंड तीसरा होता है एब्डोमेन बेटा। तो मतलब आर्थ्रोपोड की बॉडी के बेटा कितने हिस्से हैं? द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? थ्री पार्ट्स, द हेड, थोरेसिक एंड एब्डोमेन। समझ आया ना? क्लियर हो गया? जी सर। चले अब मेरे को बताएं नेक्स्ट, सिलोमेट और ए सिलोमेट? सिलोमेट। सिलोमेट सर। ट्रू सिलो, ट्रू सिलोम और सूडो सिलोम? ट्रू सिलोम। और याद रखेंगे बेटा इनके सिलोम को हम हीमोसील भी बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर हीमोसील क्यों नाम पड़ा इसको? बिकॉज इनका जो सिलोम होता है ना बेटा वो फिल्ड रहता है किससे? ब्लड से। द सिलोम इज फिल्ड विद ब्लड बेटा। अब सिलोम में ब्लड कैसे आया? बिकॉज सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? jointed appendage or unjointed appendage? jointed body divided into head, thoracic, abdomen or not divided into head, thoracic, abdomen? body divided into thoracic, abdomen. Thorax, thoracic, abdomen. very good. ab main ek cheez dikhana chahta hu yahan pe, dhyan se dekh lena bachcha, main aapko ek photograph dikhaunga fir main baad mein samjhaunga usko bachcha. ye photograph dikhai de raha sabhi ko? दिखाई दे रहा बच्चा? इस फोटोग्राफ में आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? आप खुद आइडिया लगा लीजिए, क्या लग रहा है बेटा यहाँ पे हो रहा है? स्किन निकल रहा है। ध्यान से देख लो बेटा, इस फोटोग्राफ में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये कॉकरोच है, ठीक है ना? कॉकरोच ने कपड़े पहने थे, ठीक है, और अब ये कपड़े निकाल रहा है बेटा, कपड़े उतार रहा है बेटा। वेरी गुड। कॉकरोच का जो कपड़ा होता है ना बेटा, कॉकरोच का जो कपड़ा होता है, ऐसे समझ लो आप, ये कपड़ा बना होता है बेटा काइटिन प्रोटीन का, ठीक है? ये कपड़ा बना होता है काइटिन प्रोटीन का, CHITIN, काइटिन प्रोटीन का। और बिकॉज ये कपड़ा काइटिन प्रोटीन का बना है, तो काइटिन प्रोटीन कैसा बेटा? हार्ड एंड फ्लेक्सिबल प्रोटीन होता है, ठीक है ना? तो मतलब ये जो सफेद सफेद दिखाई दे रहे हैं, ये कॉकरोच की एक्चुअल बॉडी है। दिस इज द रियल बॉडी ऑफ कॉकरोच। कुछ कंट्रीज के अंदर कॉकरोच को खाया जाता है, और अगर आपने वीडियोज देखे ना, वो क्या करते हैं, पहले हेड काट देते हैं कॉकरोच का, फिर एक कवच उठाते हैं, फिर सफेद सफेद खा लेते हैं बेटा। ये कॉकरोच की एक्चुअल बॉडी।
तो मतलब जब बॉडी ऑफ कॉकरोच बेटा, या ओवरऑल ऑर्थोपोड का अगर मैं बता दूं, जो कॉकरोच या ऑर्थोपोड्स की एक्चुअल बॉडी होती है, जो रियल बॉडी होती है बेटा, वो हमेशा कवर्ड रहती है बाहर में बेटा रखे हुए एक कवच की वजह से या एक प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से। जिस प्रोटेक्टिव लेयर को कौन बनाता है? काइटिन प्रोटीन बनाता है बेटा। सो बिकॉज दिस आउटर प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्मड ऑफ काइटिन प्रोटीन, इस वजह से बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम काइटिनस एक्सोस्केलेटन बोलते हैं बेटा, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। मतलब इनकी बॉडी में स्केलेटन अंदर से नहीं है, बॉडी का शेप जो मेंटेन करता है बेटा वो चीज अंदर से नहीं है, वो बाहर से है बेटा। और उस स्केलेटन को कौन बनाता है? काइटिन प्रोटीन बनाता है। इस वजह से बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, काइटिनस एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बेटा, यहाँ पे भी क्लियर रियल पिक्चर है बेटा। तो ये कॉकरोच का एक्चुअल बॉडी है और ये अभी हटा रहा है बेटा बाहर से इस काइटिन के कवच को। ये हटा क्यों रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। बट अभी जो मैं समझाने वाला हूँ बेटा, समझाना चाहता हूँ आपको, दैट इज ये समझाना चाहता हूँ कि आर्थ्रोपोड्स की बॉडी में एक्सोस्केलेटन होता है, दैट एक्सोस्केलेटन इज फॉर्मड ऑफ काइटिन, तो इस वजह से उसको काइटिनस एक्सोस्केलेटन बोला जाता है। तो किसी भी इंसेक्ट को देख लो, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, हर जगह पे बेटा आपको ये चमकीला स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये शाइनी स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये क्या होता है बेटा, ये एक्चुअल में काइटिन प्रोटीन होता है। समझ आया ना? जी सर। क्लियर हो गया बच्चा? चल अब और एक चीज याद रखिए, बॉडी जो होती है बेटा, बॉडी को हम डिवाइड करते हैं तीन टैगमेटा के अंदर या तीन टैगमा के अंदर बेटा। दिस इज फर्स्ट टैगमा कॉल्ड एज हेड, दिस इज सेकेंड टैगमा कॉल्ड एज थोरैक्स, एंड दिस इज थर्ड टैगमा बेटा कॉल्ड एज एब्डोमेन बेटा। तो ये याद रखें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। और हर टैगमेटा जो होता है बेटा वो एक सेपरेट फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल यूनिट होता है। मतलब टैगमेटा क्यों इसको बोला जाता है, ध्यान से देख लीजिए, क्या यहाँ पे हेड जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो बेटा थोरेसिक के जैसा है? नो सर। क्या थोरेसिक एब्डोमेन के जैसा है? नो सर। जो काम हेड करेगा क्या वो काम थोरेसिक करेगा? नो सर। और जो काम थोरेसिक करेगा बेटा क्या वो एब्डोमेन करेगा? नो सर। नहीं करेगा। नो सर। मतलब ये जो तीन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये बाहर से भी एक दूसरे से अलग है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है बेटा, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे अलग अलग दिखाई देते हैं। एंड जब फंक्शन करने का काम आएगा, जब फंक्शन करने का समय आएगा, तब ये फंक्शन भी अलग अलग करेंगे बेटा। सो दो सेगमेंट्स बेटा विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बेटा, ऐसे सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, टैगमेटा या टैगमा बोलते हैं बच्चा। क्लियर हो गया ना? यस सर। क्लियर हो गया। अब और एक चीज देख लीजिए बच्चा, इधर आ जाइए, इस पिक्चर पे आ जाइए, ठीक है ना। अब ये जो है बेटा, ये आप खाते भी है, मैंने एसएम में भी देखा है, बहुत सारे लोग खाते हैं इसको, ठीक है। इसको हम कॉमनली प्रॉन बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। प्रॉन की बॉडी में क्या देखने को मिल रहा है आपको, आपको हेड देखने को मिल रहा है एंड एब्डोमेन देखने को मिल रहा है, बट थोरेसिक बीच में नहीं है बेटा। वो थोरेसिक गया कहाँ पे? अगर मैं ये डांस इस, ये जो आपको कवच दिखाई दे रहा है ना बच्चा, अगर आप में से कोई खाता होगा तो ये कवच हम हटाते हैं, तो अगर आप इस कवच को हटाओगे ना, फिर आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे हेड दिखाई देगा, फिर यहाँ पे थोरेसिक दिखाई देगा, और ये बाद वाला पोर्शन बेटा पूरा का पूरा एब्डोमिनल पोर्शन है। बट इस कवर के नीचे बेटा हमको ये दो चीजें अलग अलग नहीं दिखाई देते, हमें हेड एंड थोरेसिक फ्यूज्ड दिखाई देता है। तो मतलब कुछ ऑर्थोपोड्स आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनमें हेड एंड थोरेसिक अलग अलग नहीं है। जैसा देख लो, ये हेड है और फिर बाद में थोरेसिक है, ये हेड है इसके बाद थोरेसिक होगा, यहाँ हेड है यहाँ पे थोरेसिक है, बट यहाँ पे हेड एंड थोरेसिक आपस में फ्यूज्ड है बेटा, दे आर फ्यूज्ड टुगेदर, वो अलग अलग नहीं है बेटा। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सेफेलोथोरेसिक बेटा, इसको हम सेफेलोथोरेसिक बोलते हैं। मतलब कुछ ऑर्थोपोड्स के अंदर बॉडी में दो टैगमेटा होते हैं, ठीक है ना, एक को हम बोलते हैं सेफेलोथोरेसिक एंड दूसरे को हम बोलते हैं एब्डोमेन बेटा। सेफेलोथोरेसिक क्या होता है, सेफेलोथोरेसिक इज इक्वल टू हेड प्लस थोरेसिक बेटा। जब हेड एंड थोरेसिक आपस में फ्यूज हो जाए, दे आर टुगेदर कॉल्ड एज सेफेलोथोरेसिक। समझ आया ना? क्लियर हो गया? यस सर। चले अब और एक चीज याद रखेंगे बच्चा। अच्छा मेरे को बताइए, इंसेक्ट जो होता है ना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक अर्थवर्म को बोला या एक लीच को बोला,
या एक सी माउस को बोला, आप रेस लगा लो कॉकरोच के साथ, ठीक है, रेस में दौड़ाना है बेटा कॉकरोच को एंड एनेलिड्स को बेटा, तो बताओ रेस में जीतेगा कौन, कॉकरोच जीतेगा कि एनेलिड जीतेगा? कॉकरोच सर, कॉकरोच। तो दैट मींस बेटा कॉकरोच या आर्थ्रोपोड इन जनरल, कॉकरोच बोलू मैं या आर्थ्रोपोड बोलू, इनका लोकोमोशन फास्ट है कि स्लो है बेटा? फास्ट 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 मतलब इनका सक्सेसफुल होने का एक राज ये भी है, इनका सक्सेसफुल होने का एक रीजन ये भी है बेटा, ये जल्दी भाग सकते हैं। अब भागने में दो फायदे हैं बेटा, अगर इनको किसी को खाना है तो उसके पीछे जल्दी जल्दी दौड़ेंगे, अगर इनको अपने आप को बचाना है तब भी जल्दी जल्दी दौड़ेंगे बेटा। आप समझ रहे ना मैं क्या बता रहा हूँ? सो मीन्स बेटा दीज आर सक्सेसफुल एनिमल्स बिकॉज दे हैव रैपिड लोकोमोशन बेटा, दे हैव फास्ट लोकोमोशन, और फास्ट लोकोमोशन से फायदा क्या होता है, प्रे को खाना है तो जल्दी दौड़ा जाएगा, प्रेडेटर से बचना है तो जब भी जल्दी दौड़ा जाएगा। आपने देखा होगा बेटा आपके मच्छर बैठता है हाथ पे कहीं पे टांग पे, और जैसे आप हाथ उठाते हो मारने के लिए वो एकदम फटाक से भाग जाता है बेटा। क्यों भाग रहा है वो? बिकॉज उसके पास मोशन या लोकोमोशन की जो प्रॉपर्टी है वो रैपिड होती है। और ये रैपिड लोकोमोशन इनमें क्यों आया, इनमें ऐसा क्या चीज आया बेटा जिसकी वजह से फास्ट हो गए किनके कंपैरिजन में, एनेलिड्स के कंपैरिजन में बेटा? चीज या मोमेंट जो है बेटा वो बस फास्ट एक ही रीजन से हो गई, दैट इज इनके अंदर मसल जो आया बेटा वो स्केलेटल मसल आया बेटा, स्केलेटल मसल आया, याद है ना बेटा? एनेलिडा में कौन सा मसल था, जल्दी बोलिए। स्मूथ मसल को क्या करना पड़ता है बेटा, स्मूथ मसल पहले बाहर से देखेगा, अच्छा अगर आप मान लो अर्थवर्म को मारना चाहते हैं और अर्थवर्म पहले देखेगी, अच्छा गुलजार अहमद मेरे को मारने आ रहा है, ठीक है ना, गुलजार को उसने देख लिया बेटा चाकू लेके, तो पहले वो बाहर से सेंसेशन लेगा, अच्छा गुलजार मारने आ रहा है, फिर ये सेंसेशन ब्रेन में जाएगा बेटा, ब्रेन पहले देखेगा गुलजार मारना चाहता है कि हाथ में उठाना चाहता है, चाकू तेज है कि चाकू बेटा थोड़ा गंदा चाकू है, मार सकता है कि नहीं, मतलब वो इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, डिकोड करेगा, और जब इन्फॉर्मेशन डिकोड होगा, मान लो बेटा गुलजार अहमद मारने आया था अर्थवर्म को बेटा, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन वापस बॉडी की स्मूथ मसल में जाएगा, और तब स्मूथ मसल बोलेगा बेटा भैया भागो, भैया दौड़ो, बिकॉज हमको कोई मारने आ रहा है। इस सब में बहुत सारा टाइम लगता है, पहले आप इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में पहुंचाओ, फिर ब्रेन उसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद फिर वो मसल में जाएगा, मसल फिर बेटा एक्शन लेगा, ये एक लंबा समय है बेटा, ये एक लंबा काम है, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। लेकिन इसके कंपेरिजन में जो स्केलेटल मसल होती है ना वो हमारे कंट्रोल में है बेटा, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन। मैं अपने हाथ को जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मैं जल्दी कर सकता हूँ, मैं हाथ को स्लोली स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मैं स्लो कर सकता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं स्लो स्लो चलना चाहता हूँ, मैं स्लो स्लो चल सकता हूँ। तो मतलब स्केलेटल मसल्स का जो रिस्पॉन्स होता है ना, दैट इज वेरी वेरी फास्टर बेटा इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ स्मूथ मसल्स, बिकॉज इंसेक्ट्स के अंदर बेटा स्केलेटल मसल आया जो इससे पहले कहीं नहीं था, स्ट्रिएटेड मसल आया जो इससे पहले कहीं नहीं था, वॉलेंट्री मसल आया जो इससे पहले कहीं नहीं था। तो इंसेक्ट बेटा अपने दिमाग को यूज करके, अपने ब्रेन को यूज करके बेटा स्केलेटल मसल को जल्दी इन्फॉर्म कर सकता है और रैपिड एक्शन दिखा सकता है बेटा। ये एक इनका इंपॉर्टेंट फीचर है जो इससे पहले आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता बच्चा। सो दिस फाइलम जिनके बारे में हमने ये थोड़ी सी बातें करी ना, इसी फाइलम को हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा बोलते हैं बच्चा। ये क्लियर हो गया, आइडिया लग गया बेटा हम क्या पढ़ने वाले? जी सर। चलो देख लेते हैं फिर बेटा एक एक करके क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। आर्थोस का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडोस का मतलब होता है लेग्स, दोनों को मिला दो बेटा तो जॉइंटेड लेग्स या आर्थोस पोडोस या शॉर्ट में आर्थ्रोपोडा बेटा। एनिमल्स विद जॉइंटेड अपेंडेज, आर्थ्रोपोडा के अंदर बेटा ऐसे एनिमल्स को स्टडी किया जाता है विच हैव जॉइंटेड अपेंडेज बेटा। अपेंडेज का मतलब होता है बॉडी से बाहर जो स्ट्रक्चर्स होंगे। Von, Seinbold and Stanius established phylum Arthropoda. Important exam के लिए याद रखेंगे बेटा। तो phylum Arthropoda को establish करने वाले जो scientists थे, वो यही है बेटा। More than 11 lakh species, most successful group of animals. Animals के अंदर बेटा, अगर invertebrate देखा जाए, जो सबसे successful invertebrates है बेटा, वो कौन होते हैं? वो arthropods होते हैं बेटा। This is the largest phylum of Animalia, which include insects. ये Animalia का सबसे largest phylum है। और इसी फाइलम के अंदर हम किनको पढ़ते हैं? इंसेक्ट्स को पढ़ते हैं। मतलब इंसेक्ट एक क्लास है बेटा, किसका? फाइलम आर्थ्रोपोडा का। तो फाइलम का नाम आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, फिर इसका एक क्लास है बेटा, उसका इंसेक्टा बोलते हैं। तो इंसेक्टा भी किसमें आता है? आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आता है।
ओवर टू थर्ड ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स. ये एनसीईआरटी के पॉइंट से याद रखेंगे बेटा कि अगर आप दुनिया की सारी स्पीशीज को देखेंगे, उन सारी स्पीशीज में से बेटा टू थर्ड स्पीशीज जो होती है वो ओनली कौन सी होती है, वो आर्थ्रोपोड्स होती है बेटा. अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो बुक में नहीं है बट आप याद रखेंगे फिर भी बेटा. Why they are called successful? Arthropoda को हम successful क्यों बोलते हैं? यहाँ पे दो क्वेश्चन है बेटा. Why they are successful and why they are called successful? Successful क्यों है? उसका reason यहाँ पे. उन्हें successful क्यों बोला जाता है? उसका reason यहाँ पे दिया. तो सबसे पहले देख लेते हैं उनको successful क्यों बोला जाता है. क्यों बेटा हमारी बुक में लिखा है Arthropoda are successful animals? क्या है इसके पीछे reason? तो वो यहाँ पे देख लेते हैं बेटा. सक्सेसफुल इसलिए बोला जाता है बिकॉज इनके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज पाई जाती है. लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज पाई जाती है, कितना? मोर देन 11 लाख बेटा. हर जगह पाए जाते हैं, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, पानी में भी, हवा में भी, जमीन पे भी, जंगल में भी, सिटी में भी, गाँव में भी, दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं. तो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है इनका बेटा, हर जगह पे मिलते हैं. बिकॉज हर जगह मिलते हैं, हर जगह वही होगा बेटा जो सक्सेसफुल होगा. वेराइटी ऑफ हैबिटेट ऑक्यूपाइड, जैसे मैं अभी बता रहा था, वैरायटी ऑफ हैबिटेट मतलब पानी में भी है, हवा में भी है, जंगल में भी है, शहर में भी है, गांव में भी है, जमीन के नीचे भी है, जमीन के ऊपर भी है. तो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है एंड वाइड स्प्रेड हैबिटेट्स भी देखने को मिलते हैं. वेरियस फूड हैबिटेट्स बेटा, इनमें से कुछ जूस पीते हैं फ्लावर्स का बेटा, जैसे हनी बी वनी बी. इनमें से बेटा कुछ फॉर एग्जाम्पल दूसरे इंसेक्ट्स के ऊपर हंट करते हैं, जैसे आपने बेटा स्पाइडर को देखा होगा. इनमें से कुछ मीट खाते हैं बेटा, जैसे कॉकरोच को देखा होगा. इनमें से कुछ ग्रेन्स खाते हैं, जो हमारे घर में ग्रेन्स रहते हैं बेटा, उनको उठा के ले जाते हैं, जैसे चींटी आपने देखी है. तो मतलब इनके वैरायटी ऑफ फूड हैबिटेट, दे कैन बी कार्निवर, दे कैन बी हर्बिवर, दे कैन बी अनदर काइंड ऑफ हैबिटेट ऑफ फूड हैबिटेट्स बेटा. तो इनके फूड हैबिट्स अलग अलग है. ये खाली जैसे हमने इससे पहले फाइलम पढ़े बेटा, या तो वो एक्टोपैरासाइट थे, या तो वो एंडोपैरासाइट थे बेटा, या तो वो फ्री लिविंग थे, इसके अलावा कुछ और था ही नहीं बचा. लेकिन यहाँ पे बेटा एक्टोपैरासाइट भी है, एंडोपैरासाइट भी है, फ्री लिविंग भी है, हर्बीवर भी है, कार्निवर भी है, संगीवर भी है. जैसे मच्छर का एग्जांपल ले लीजिए, मस्किटो इज अ संगीवर बेटा, वो खून पी लेता है. तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड हैबिटेट्स है बिकॉज इनका फूड एक जगह लिमिटेड नहीं है, ये अलग अलग फूड पे जिंदा रह सकते. तो इनके बीच में कंपटीशन ज्यादा नहीं होगा, ये एक दूसरे के साथ ज्यादा लड़ेंगे नहीं बेटा. बिकॉज जब एक दूसरे के साथ लड़ेंगे नहीं तो सर्वाइवल की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाएगी बेटा, सर्वाइव करने की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाती है. कैपेबिलिटी ऑफ डिफेंस बेटा, ऑल्दो कॉकरोच हमको काटता नहीं है बट फिर भी बेटा जैसे कॉकरोच दिखता है क्लास में सब भाग जाते हैं बेटा, इंक्लूडिंग मेडिकल कॉलेज में खुद देखा है बेटा, हमारी क्लास चल रही थी, कॉकरोच आकर सब भागने लग गए बेटा. तो कॉकरोच ऑल्दो काटता नहीं बट फिर भी इतना डर. आपने स्कॉर्पियन का नाम सुना होगा बेटा, बड़ा खतरनाक है, काटेगा तो मतलब मर जाता है इंसान उधर ही बेटा, मर जाएगा तू, ठीक है ना, जो एक मूवी का डायलॉग था बेटा, काटेगा तो आप मर जाओगे बेटा. मच्छर हमको काटता है बेटा, आपने देखा होगा, कुछ लोग तो मच्छर से भी डरते हैं, कुछ लोग मच्छर के लिए बड़े एलर्जिक भी होते हैं बेटा. स्पाइडर से हम डरते हैं, इनसे हम डरते क्यों है? बिकॉज इनके पास पावर ऑफ डिफेंस है बेटा, ये हमें काट सकते हैं, ये हमें बीमार कर सकते हैं, ये हमारी बॉडी में बेटा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप कर सकते हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिफेंस पावर, अ डिफेंस मैकेनिज्म इन देम बेटा. सो बिकॉज दे कैन डिफेंड देमसेल्व्स, इसलिए बेटा ये सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव करते हैं तो बेटा सक्सेसफुल है. पावर टू अडॉप्ट मतलब ये अपनी बॉडी को अडॉप्ट कर सकते हैं बेटा अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में. गर्मी बढ़ गई कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको, गर्मी कम हो गई कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको, ठंडे में है तब भी खुश बेटा, गर्मी में है तब भी खुश. मींस दे कैन अडॉप्ट देयर बॉडी टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस बेटा इनको हम सक्सेसफुल मानते हैं, इनको हम सक्सेसफुल बोलते हैं बेटा. बट सक्सेसफुल होने का रीजन क्या है? अगर ये कामयाब हो गए, अगर ये लार्ज है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, इनका हैबिटेट अलग अलग है, इनका फूड हैबिट अलग अलग है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन यहाँ पे दिया हो बेटा. सो दे आर सक्सेसफुल बिकॉज इनके पास एक्सोस्केलेटन क्यूटिकल या काइटिन का पाया जाता है बेटा. मतलब इनकी बॉडी के बाहर एक सुरक्षा कवच है, इनकी बॉडी के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवर है बेटा, जो इनकी बॉडी को डैमेज नहीं होने देता, जो इनकी बॉडी को बेटा गर्मी से बचाता है, सर्दी से बचाता है, या किसी और बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाता है बेटा. और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं. और एक्सोस्केलेटन कैसा होता है? जॉइंटेड होता है. जैसे आपने हेड थोरैसिक एब्डोमेन जॉइंटेड देखा, लेग्स जॉइंटेड देखी, टेंटिकल जॉइंटेड, सॉरी नॉट टेंटिकल्स, एंटीने जॉइंटेड देखे बेटा, ये जॉइंटेड अपेंडिक्स इनके पास पाई जाती है. और ये एक्सोस्केलेटन बनता है बेटा क्यूटिकल प्रोटीन से, काइटिन से,
कैल्शियम कार्बोनेट से एंड लिपिड से बेटा, लेकिन सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है। काइटिन के अलावा ये चीजें भी है पर मोस्टली काइटिन पाया जाता है। जॉइंट ऑफ बॉडी एंड लिम्ब बेटा, तो इनकी बॉडी में जॉइंट्स पाए जाते हैं। जॉइंट से फायदा क्या होता है, इनकी इफेक्टिव लोकोमोशन होती है या इफेक्टिव मूवमेंट होती है। ये जल्दी चल सकते हैं, जल्दी दौड़ सकते हैं, जल्दी अपनी दिशा बदल सकते हैं, जल्दी अपनी डायरेक्शन बदल सकते हैं बेटा, बिकॉज ऑफ जॉइंटेड अपेंडिक्स बेटा। इमेजिन कर लो कि अगर हमारी टांग में जॉइंट नहीं होता, इंसान की टांग में बेटा जॉइंट नहीं होता, हमारे पास तीन जॉइंट्स हैं। अगर ये ऊपर वाला बॉडी का स्केलेटन है, यहाँ पे एक जॉइंट, फिर दूसरा जॉइंट, फिर तीसरा जॉइंट, इमेजिन कर लो ये जॉइंट्स नहीं होते, आपको क्या लगता है हमारा लोकोमोशन इफेक्टिव होता कि नॉन इफेक्टिव होता? नॉन इफेक्टिव, जल्दी जल्दी नॉन इफेक्टिव होता बेटा, ठीक है ना। अगर हमारे पास इफेक्टिव लोकोमोशन है ना, उसका बहुत बड़ा रीजन क्या है कि हम अपने लेग के पार्ट्स को मूव करा सकते हैं बेटा अलग अलग डायरेक्शंस में, या हमारे पास जॉइंटेड मोशन है बेटा, और जॉइंटेड मोशन में क्या होता है, स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। वेरियस स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गन सिस्टम, इनके हम अभी पढ़ेंगे बेटा, इनका ऑर्गन सिस्टम, इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत मॉडिफाइड है, नर्वस सिस्टम बहुत मॉडिफाइड है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत मॉडिफाइड है, सेंस ऑर्गन बहुत मॉडिफाइड है। इसके अलावा बेटा इनके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जो इससे पहले किसी फाइलम में नहीं थे, जैसे एंटीना मिलेगा, विंग्स मिलेगी, डैशेंट्स। तो इनके अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं, जिनके स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं बेटा। नर्वस सिस्टम बहुत बेटर है इनका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। नर्वस सिस्टम बेटर का मतलब हुआ इनमें बिहेवियर पैटर्न एंड प्रिमेटिव इंटेलिजेंस पाई जाती है। मतलब इंटेलिजेंस एनिमल में कब डेवलप हुआ, प्रिमेटिव इंटेलिजेंस डेवलप हुआ बेटा आर्थ्रोपोडा से। अब इससे मतलब कैदान से देख लेना, आपके हाथ में बेटा मच्छर बैठा, आपने दूसरा हाथ बेटा मच्छर को मारने के लिए उठाया, ऑल दो बेटा आप इसे अभी मार नहीं रहे हो, बट मच्छर ने किसी न किसी तरीके से सेंस कर लिया कि ये मेरे को मारने वाला है बेटा, और वो भाग गया वहां से। आप किचन में गए बेटा, अंधेरा था, जैसे आपने लाइट ऑन कर दिया, आपने देखा बेटा पूरे किचन के शेल्फ के ऊपर कॉकरोच बैठे हुए हैं, और जैसे आप कॉकरोच के नजदीक गए, किसी न किसी तरीके से बेटा कॉकरोच को सेंस हो रहा है कि ये बंदा मेरे को मारेगा या ये कोई स्प्रे फेंकेगा, और वो भाग जाता है और अंधेरे में छुप जाता है बेटा। तो मतलब इनके पास बेटा पावर ऑफ इंटेलिजेंस है कि दे कैन सेंस कि क्या इनके लिए सही है, क्या इनके लिए बुरा है, क्या इनके लिए खतरनाक है, क्या इनके लिए खतरनाक नहीं है, कब इनको निकलना है बेटा, ताकि इनको कोई, जैसे कुछ इंसेक्ट्स रात को निकलते हैं बेटा, उसको किसने सिखाया रात को निकलना है, कॉकरोच रात को निकलेगा दिन में नहीं निकलेगा बेटा, कॉकरोच अंधेरे में फूड खाएगा दिन में नहीं खाएगा। तो ये सब क्या बेटा, ये एक तरीके से हमको दिखाता है कि इनके अंदर पावर ऑफ इंटेलिजेंस आ गया, और इंटेलिजेंस पावर की वजह से ये आपसे, जैसे बटरफ्लाई पकड़ने जाते हैं आप, बच्चे दौड़ रहे होते बटरफ्लाई के पीछे, फिर भी नहीं लगती, वो भागती रहती है इधर से उधर, क्यों वो भाग रही है बेटा, उसको किसने बताया बच्चा आपको पकड़ेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें इसलिए बेटा बिकॉज इनके ऊपर क्या देखने को मिलता है, इंटेलिजेंस का पावर देखने को मिलता है। तो इंटेलिजेंस जो है बेटा, प्रिमेटिव इंटेलिजेंस किन में देखी जाती है, इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोड्स के अंदर देखने को मिलती है बेटा। बिहेवियर पैटर्न का मतलब क्या हुआ, आपको अगर बेटा हनी बी के बारे में पता हो, हनी बी में क्वीन होती है, पढ़ा है ना आपने बेटा, वर्कर होता है, यस सर, और ड्रोन होता है बेटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो बता बेटा, क्या क्वीन कभी वर्कर का काम करेगी? नो सर। क्या वर्कर कभी ड्रोन का काम करेगा? नो सर। नहीं बेटा। तो मतलब इनकी कॉलोनी में एक पर्टिकुलर प्रकार का या एक पर्टिकुलर लेवल का कानून है, एक लॉ है बेटा, ये बंदा ये वाला काम करेगा, ये वाला काम करेगा, ये वाला काम करेगा। क्वीन बाहर निकलेगी तो सब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर निकलेंगे, क्वीन वापस आएगी तो सब वापस अंदर आ जाएंगे बेटा। सेम आपको एंट्स के अंदर भी देखने को मिलता है बच्चा, ठीक है ना। सेम आपको बेटा कुछ इंसेक्ट्स, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, शायद उनको हम एम्फिड्स या कुछ ऐसे बोलते हैं, एफिड्स बेटा, नॉट एम्फिड, एफिड्स बोलते हैं बेटा, उनके अंदर भी देखने को मिलता है बच्चा। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इनके पास पावर ऑफ बिहेवियर है, दे कैन बिहेव इन अ पर्टिकुलर सेंस बेटा। Behave in a particular sense का मतलब everyone is following queen बेटा, बाहर तो सब बाहर, अंदर तो सब अंदर बेटा, everyone is following बेटा queen ant बेटा, जहाँ पे queen ant गई सारी ants उसको follow करेगी, so this is behavior pattern बेटा। तो एक साथ मिलके रहना, एक particular इंसान को follow करना, उसकी directions या उसके order को बेटा मानना, ये क्या दिखाता है, ये behavior pattern दिखाता है, जो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, आर्थ्रोपोडा में शुरू हुआ बेटा। लोकोमोशन इनका बहुत तेज है, बहुत इफेक्टिव है बेटा, बिकॉज इनके पास क्या होती है, स्ट्रेटेड मसल्स होती है, स्ट्रेटेड मसल का मतलब होता है स्केलेटल मसल होती है, और वॉलंटरी मसल होती है बेटा। तो ये रीजन है बेटा दैट दे आर सक्सेसफुल एनिमल्स। समझ आया बच्चा? यस सर। क्लियर हो गया? यस
चल अब ये तो मैं आगे आपको बता चुका हूँ, ये आप खुद पढ़ेंगे बेटा। बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इसको हम टैगमेटाइजेशन बोलते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा बेटा टैगमा, तो तीन टैगमा होते हैं, हेड, थोरैसिक एंड एब्डोमेन बेटा। एक्सोस्केलेटन होता है जो बॉडी को कवर करता है, जॉइंटेड लिम्ब्स होती है एंड एब्डोमेन भी सेगमेंटेड होता है बेटा। सीलोमेट्स होते हैं, हीमोसील होता है, ब्लड से भरा हुआ सीलोम होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गनाइजेशन, काइटेनस एक्सोस्केलेटन, जॉइंटेड अपेंडिक्स, और ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है जो यहाँ पे है बेटा, वही एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ये आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये स्कॉर्पियन है तो इसमें आप चमकीला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज काइटेनस एक्सोस्केलेटन बच्चा, ठीक है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री टैगमेटा। टैगमेटा मींस फंक्शनल मॉर्फोलॉजिकल यूनिटा सेगमेंट। मैंने अभी बोला था टैगमेटा किसको बोलते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से अलग हो, जो फंक्शनली एक दूसरे से अलग हो बेटा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टैगमेटा। तो हेड है, थोरैसिक एंड एब्डोमेन है, बट कुछ इंसेक्ट्स के अंदर हेड एंड थोरैसिक आपस में फ्यूज्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेफेलोथोरैसिक बोलते हैं बेटा। ट्रू सीलोम पाया जाता है, बट ट्रू सीलोम रिड्यूस्ड है और उसमें ब्लड भरा रहता है बेटा, इसलिए उसको सीमोसील बोलते हैं। मसल्स बेटा स्ट्राइटेड होती है, मतलब स्केलेटल मसल्स होती है जो रैपिड कॉन्ट्रेक्शन दिखाती है, और रैपिड कॉन्ट्रेक्शन से मूवमेंट भी क्या होता है, बहुत ही रैपिड होता है। अब बाकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या बाकी सिस्टम है बेटा, ये हम इंशाल्लाह कल की क्लास में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफी है।